ठीक है चलो, मैंने उस मीटिंग को एंड कर दिया फिर। कर दिया मैंने। आप लोग भी आ जाओ। हेलो, हाय एवरीवन, मैम कैसे हैं आप लोग सब? ठीक है मैम। वेरी नाइस। सभी आ रहे हैं, वी विल जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स, फिर हम एक बार क्विकली सबको वेलकम करके एक बार रूल्स दोबारा से बता देंगे ताकि वी कैन क्विकली स्टार्ट। यस मैम। यस, और क्या चल रहा है फील्ड में? आई एम सीइंग द पिक्चर्स, सब जनों ने आना जाना शुरू कर दिया है, विच इज रियली नाइस। हाँ वो तो है, लेकिन केसेस बढ़ते हैं तो फिर डर लगने लगता है। और अभी तो गांव में केस आने लग शुरू हो गए हैं। नहीं, बिल्कुल रामचंद्र जी, जैसे हम हर टीओटी में भी बोलते हैं और हर बार जब हम लोग आपस में बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हमें कहीं पर भी अपनी गाइडलाइंस के साथ समझौता करते हुए नहीं करना है। प्लीज एंश्योर कि हम सब गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, और हमारा तो काम ही अवेयरनेस है, एजुकेशन है, तो जब हम फील्ड में भी जा रहे हैं हम लोग बेसिकली वही अवेयरनेस और एजुकेशन लेके जा रहे हैं उनके लिए, और अगर हम भी फॉलो जी नहीं करेंगे तो, और आपको पता है किसी भी पॉइंट पे आपको बोला नहीं है कि जबरदस्ती उस गाँव में जाओ जहाँ पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, पर जहाँ थोड़ा सा कंसर्न है और केसेस हो रहे हैं वहां पर आप टेलीफोनिकली उनसे कनेक्ट करके उनको जरूर जितना हो सकता है वो अवेयरनेस जरूर स्प्रेड करो, क्योंकि उन लोगों को नहीं जी 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 बिल्कुल, हम आप यही कर शेयर रहे करते हैं। हो। और कल कल भी मेरी करौली की टीम के साथ में बातचीत हो रही थी, और यही तो कहा गया था कि आप बिल्कुल फोर्स नहीं है कि वहां जाएं, लेकिन ये है कि जहां ऐसी स्थितियां नहीं है वहां पूरे प्रिकॉशंस के साथ में आप जाएंगे और अपने टीचर्स का जो हौसला अफजाई है वो करेंगे, साथ ही उसको बिल्कुल। थोड़ा सा गाइड करेंगे कैसे वो बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करें। ठीक है, आई थिंक वो ज्यादा जरूरी है। और अगर कोई कुछ शेयर करना चाहता हो, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो इतने में सब ज्वाइन कर लेंगे एंड देन वी कैन क्विकली स्टार्ट ऑल्सो। बाकी सब, बाकी हर जगह ठीक है? बिहार से हामिद, क्या स्थिति है वहां पे अभिमन्यु? बिहार में मैम अभी जो है मतलब तीन जगह ऐसा है, हमारा पटना है, किशनगंज है, पूर्णिया है, ये तो पूरी तरीके से लॉकडाउन पड़ा है, मतलब वहाँ बंद कर दिया गया है। और मधुबनी एक एरिया था जो कि सही था मतलब, लेकिन वहाँ भी कम्युनिटी के लोग आने नहीं दे रहे थे अंदर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल रहा है वायरस। लेकिन अभी कल मैंने बात किया वहाँ के लोगों से तो पता चला वहाँ फ्लड आ गया है पूरा, मतलब किशन झंझारपुर और लौकहा जिस ब्लॉक में हम काम करते हैं वहाँ फ्लड आ गया है। अभी तो मतलब बिहार में बारिश काफी ज्यादा हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। और नेपाल से भी काफी पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण मतलब बहुत ज्यादा वहाँ की कंडीशन भी खराब होती जा रही ओके, है, कहीं मूवमेंट हो नहीं पा रहा है। ठीक है हामिद, ध्यान रखो, और ध्यान रखते हुए जितना कर सकते उतना करो। आई थिंक आई कैन सी रोमा मैम एंड राजीव सर जॉइंड इन, यस, सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। We are all here. We are just waiting for a few of us to join in, and then we will hand over the, stage to you. In the meanwhile, I will quickly revise the, little rules that we follow during such online sessions. Everybody, please, आप अपना म्यूट पे रखिएगा, और जब भी बोलेंगे कैमरा ऑन कर सकते हैं, एंड कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी आप बोलना हो, आप रेज हैंड वाला भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं प्लीज। एंड माई नेम इज प्रीति, रोमा एंड राजीव, एंड आई एम अ पार्ट ऑफ इम्पैक्ट। आई बेसिकली सिट हियर इन दिल्ली ऑफिस। टुडे आई एम वर्किंग फ्रॉम होम बिकॉज वी गो ऑन ऑल्टरनेट बेसिस, एंड वी हैव द एंटायर इम्पैक्ट टीम विद अस टुडे। व्हेन आई से एंटायर इम्पैक्ट टीम, वी आर वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम मैनेजर्स,
you know, people who are there on the field, and some people are here in the head office, you know, and we all work towards girl child education. And right now, keeping in mind the scenario, we are also working towards a COVID awareness and, you know, ensuring that our community and wherever we are present, you know, we spread the message and we ensure that, you know, they follow all the guidelines that's there and they take care of their health. So apart from the regular concepts, teaching and learning that's happening. But, you know, actually, before we start, I would, you know, request you to just introduce, you know, emotionally.in a little bit about the organization, because, you know, everybody's really looking forward for the session today. किसी को कुछ बोलना होगा तो प्लीज बोलिएगा. अनदर टू फॉर 4 मिनट्स वी विल वेट एंड देन यू नो वी कैन क्विकली स्टार्ट. कोई कुछ शेयर करना चाहेगा, बोलना चाहेगा? थैंक यू प्रीति. आप लोग कहाँ पर हैं इस टाइम? सब ऑल स्प्रेड आउट अक्रॉस द कंट्री? यस. In Delhi, a bunch of us, but otherwise everybody is across. I want people to talk more because they really like to talk. So, Bihar mein hai, Jharkhand mein hai. We are there in 11 states. So, you know, we have a combination of people from everywhere today with us. That's nice. Very nice. Or one thing more, you know, I got some questions on managing anxiety and काफी लोगों ने मुझे questions share किए जो मैंने रोमा और राजीव के साथ नहीं share किए हैं. I am just telling you this so that जब भी आपको, you know, whenever we have a query session, you know, you can open up and you can talk about your questions, please. हाँ, हम भी चाहेंगे कि जब हम बात कर रहे होंगे और जब मैं present कर रही हूँ या मैं जब anxiety के बारे में बात कर रही हूँ, तो अगर सब लोग इन्वॉल्व हों और सब लोग बात करें मेरे साथ और इंटरैक्ट करें तो उससे और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हम समझेंगे एक दूसरे की चीजों को, हम समझेंगे और ये भी समझेंगे शायद आपस में बात करके कि अपनी एंजाइटी, जो अपनी घबराहट है, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं. बिल्कुल. आई एम श्योर एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड और काफी सारे सवाल हैं और काफी सारी बातें हैं जो यू नो इन द ड्यू कोर्स करेंगे. आर वी ऑल हियर? ये कम सुनाई दे सब जने एक बार कैमरा करके. यस सर. फिजिकल हेल्थ तो जिम में भी बन जाएगी, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, कोई जिम नहीं है इसके लिए. बहुत सही बोला आपने. आई थिंक प्रीति आपने मेरे को डिसेबल किया हुआ है वो स्क्रीन शेयर करने के लिए. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट. या रोमा, व्हेन यू शेयर जस्ट टर्न ऑन द कंप्यूटर ऑडियो पार्ट. Okay. So that the music, whenever you get to the music part, it plays. Okay. Just give me a second, I am doing it. Okay. Can you please check once? Yes, now it's working. Yeah, it's working. It's working. Okay, so over to you. And, you know, once again, we welcome you on behalf of Impact. So I think, you know, we can start. Yeah. Roma, you're going to start, right? Yeah, I'm going to start. So I'm just trying to see where you asked me to. Okay, share computer sound, right? Yes, that should be checked in. So yeah, that later that's on checked in. Yeah, I did that. And please stop us at any point in time whenever Dr. Roma is talking. Any time in the middle, if you feel like you need more clarification or more information, do stop us. Okay.
Yeah. Before we actually go ahead, I just have a very small request. It will be nice if we have the session in English as well as Hindi. A combination would really help. जी मैंने अभी शुरुआत ही हिंदी में करी थी. Don't worry, I'm going to speak in Hindi. Great. I will definitely speak in Hindi and English, both the languages. So you can tell me when to begin. Yes, Roma, I think we can start, please. Okay. Good morning, everyone. And हम बहुत आज खुश हैं और इसलिए खुश हैं क्योंकि हम आपके साथ बातचीत कर सकते हैं और खास करके इम्पैक्ट के साथ हम थोड़ी सी बातें करेंगे. इन बातों से हम एक दूसरे की घबराहट. आई थिंक वी नीड टू म्यूट. सो हम एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, एक दूसरे से समझेंगे क्योंकि सबके जीवन में आजकल जो बहुत सारी एंग्जाइटी आ रही है इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, जो बहुत घबराहट हो रही है और ये घबराहट हमें रोजमर्रा के जीवन के काम करने में भी थोड़ी सी हमें इंटरफेयर कर रही है. और जब ये शुरुआत हुई थी कोविड की तो ऐसा लगा था कि कुछ ही दिन में ये चला जाएगा, कुछ ही दिन के लिए हम लोग घर में बैठे हैं, घर से काम कर रहे हैं. लॉकडाउन बोला गया तो हमें लगा चलो ये थोड़ी सी छुट्टी की बात आ गई है, हमें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है और हम घर में बैठेंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये लंबा चल गया और लंबा खींच गया. और इसी की वजह है कि हम सबको बहुत सारी घबराहट, बहुत सारी एंग्जाइटी, बहुत वरी, बहुत स्ट्रेस होने लग गया है. सो बहुत जरूरी है हमें इसका सामना करना. और अगर हम सब मिल के सामना करेंगे और मानसिक स्थिति से हम थोड़े से काम रहेंगे, खुश रहेंगे, तो शायद आगे के जीवन में हम और बहुत मुश्किलों का सामना कर पाएंगे. सो सबसे पहले मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन इमोशनली के बारे में बातचीत करूंगी. ये एक ऑनलाइन थेरेपी और कोचिंग काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, कोचेज, काउंसलर्स और बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी लीडर्स हैं. इन्होंने सबने, हम सबने मिलकर इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है ताकि हम आप लोगों से और बहुत सारे और लोगों के साथ में हम बात कर सकें और हम समझा सकें कि जब इस तरह की स्थिति आती है, जब मन शांत नहीं होता या बहुत डर लग रहा होता है तो हम क्या करें. और हम सब ऐसे वेबिनार्स भी करते हैं और इंडिविजुअली भी सब लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं. अलग अलग उसमें बैठे हुए हैं ना, शायद बैंडविड्थ का इशू हो रहा है. एक ही ऑफिस में हम बैठे हैं ना और हमने अलग अलग अपने जूम कनेक्शन कर रखे हैं. आई थिंक दैट्स अकॉर्डिंग टू मी. बालाजी को पूछे क्योंकि बीच में मेरे में भी इंटरप्शन आ रहा है तो देखते हैं कि एक को अगर करें तो क्या इंटरप्शन आएगा. सो इमोशनली पे हम लोग वेबिनार्स भी करते हैं, ग्रुप्स में भी सेशन करते हैं और इंडिविजुअली भी हम सेशन करते हैं और सबको समझाते हैं. या जब कोई मन में कुछ परेशानी हो, चाहे रिश्तों में हो, चाहे अपने ऑफिस में हो, चाहे अपने बच्चों के साथ हो या किसी भी किस्म की आपकी परेशानी हो, तो हम उस बारे में बातचीत करते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर. तो चलिए हम जैसे प्रीति कह रही थी कि हम सब एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, हम सब एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं. मेरा नाम डॉक्टर रोमा कुमार है और मैं पार्टनर हूँ और को फाउंडर हूँ इमोशनली में. और मुझे करीब 30 साल हो गए हैं साइकोलॉजिस्ट की फील्ड में काम करते हुए और दो मेजर अस्पतालों में, दिल्ली NCR में मैं काम करती हूँ. और मेरा काम ज्यादातर बच्चों, एडोलेसेंट्स, बड़ों में रिश्तों को संभालने में और जो भी क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं उनके बारे में बात करती हूँ और काउंसलिंग बहुत ज्यादा करती हूँ. सो इन 30 सालों में मैंने काफी काम किया है, कम्युनिटी के लिए काफी काम किया है. तो ये तो रही रोमा कुमार. लेकिन मैं जानना चाहूंगी आप में से कोई अपने बारे में कुछ अपने बात करने की कोशिश करें, मुझसे थोड़ी सी बातचीत करें तो उससे और भी अच्छा लगेगा और मुझे एक अपनापन सा महसूस होगा और मैं आपको फिर इस सब चीजों से आगे लेके जा सकती हूँ. कोशिश करिए मुझसे बात करने के लिए, मुझे भी आपको जानना है.
So anybody can please introduce themselves and talk. कहाँ पर हैं, क्या हैं? Please. बस अपना unmute कर लीजिएगा और camera on कर लीजिए. Good morning, ma'am. Good morning. I am Kiranjeet Kaur and अभी मैं फिलहाल उत्तराखंड में काम कर रही हूँ as a training officer. यहाँ पे जितने भी हमारे learning centers हैं, उसमें जितनी भी teachers हैं. उनको मैं ट्रेनिंग्स देती हूँ और हमारा जो सोर्स रहता है वो वही एनसीईआरटी बुक्स रहता है और डिफरेंट एक्टिविटीज और जितना भी हम लोग एआई किट्स होती हैं कि बच्चों के साथ हम कैसे स्टडीज को इंटरैक्टिव बनाए, वैसे हम उनको ट्रेनिंग्स देते हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी बोले आप. और इससे तो आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी और आप बच्चों के साथ में कनेक्ट कर रहे होंगे. यस मैम, हम लोग अभी COVID-19 के ऊपर हम लोगों ने फेज 1 और फेज 2 पे टीचर्स के साथ ट्रेनिंग कर दी है ऑनलाइन. ऑनलाइन इट इज लाइक कॉन कॉल होता है और जहाँ पे नेटवर्क्स अच्छे होते हैं, लाइक हम लोग हिली एरियाज में भी काम करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता है, तो वहाँ पे हम कॉन कॉल के जरिए टीचर्स से कनेक्ट करते हैं. उनको डिफरेंट मटेरियल जो हमारी ट्रेनिंग टीम एचओ टीम ने हमें प्रोवाइड किया है, हम वो मटेरियल उनको प्रोवाइड करते हैं टीचर्स को और टीचर्स उन्हीं मटेरियल के पोस्टर्स बना के या व्हाट्सएप के जरिए वीडियोस भेजती हैं और कम्युनिटी को अवेयर करती हैं उन्हीं मटेरियल से. सेकेंडली हम लोगों ने ब्लेंडेड ट्रेनिंग जो हमारी कंसेप्ट बेस्ड है, टॉपिक बेस्ड है, वो भी हमने टीचर्स को दी है और उस पर भी काम चल रहा है. एंड टीचर्स जो है वो कम्युनिटी और बच्चों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को. और अभी हमारे और भी स्टेप्स हम लोगों ने काफी डिसाइड किए हैं, वर्कशीट्स प्रोवाइड करना बच्चों को, जिन पे काम चल रहा है अभी. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लगा ये बात सुनकर कि इतना सारा कम्युनिटी पे काम हो रहा है और टीचर्स बच्चों के साथ में लगी हैं. इससे और अच्छा नहीं हो सकता कि आप इतनी सेंसिटाइजेशन, इतनी अवेयरनेस क्रिएट करा रहे हैं और इसी से जितने भी लोग हैं जिनका संपर्क है उन टीचर्स के साथ में या आपके साथ में, वो काफी इसके लिए लाभदायक होगा कि वो थोड़े शांत रहेंगे और अपने जीवन को आगे लेके जा सकते हैं. बहुत वेरी गुड, थैंक यू. और अभी मूवमेंट भी शुरू हो गया है, जैसे गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हम लोग खुद भी पर्सनली टीचर्स के साथ और हमारी जो बेनिफिशरीज हैं बच्चियां उनके साथ और कम्युनिटी के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं फेस टू फेस जाके नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए. वेरी गुड किरण, बिकॉज इट्स सो इम्पोर्टेंट टू स्पीक टू द गर्ल्स और गर्ल्स की रेजिंग अगर अच्छी होगी और उनको असर्टिवनेस सिखाई जाएगी और एम्पावर किया जाएगा तो हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा. थैंक यू किरण. और भी कोई है जो मुझसे बात करना चाहेगा, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा, कुछ बताएगा अपने बारे में? Anyone, whoever wishes to talk can talk to me. कौन बात करना चाहेगा? मैडम मैं रामचंद्र हूँ. जी रामचंद्र. अभी मैं जयपुर में हूँ. राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो प्रोग्राम इम्पैक्ट द्वारा संचालित है उनको मैं एज ए प्रोग्राम मैनेजर देखता हूँ. और अभी हम पिछले लगभग 3.5 महीने से जो भी काम कर रहे हैं वो ऑनलाइन ही कर पा रहे हैं, क्योंकि हम फेस टू फेस सारे लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की दिक्कत हो रही है उसकी वजह से है, और साथ ही थोड़ा सा डर जो बना हुआ है अभी भी कोरोना का. हालांकि सब जगह अब लोकल लेवल पे आना जाना शुरू हो गया है, फिर भी दिक्कत ये है कि किसी भी गांव में जाते हैं तो वहां जब बात करते हैं तो सबसे पहला डर उन लोगों को भी लगता है कि बाहर से कोई व्यक्ति आया है, पता नहीं क्या है. और एक जो सबसे बड़ी दिक्कत जो मैंने अभी महसूस की है, अभी मैं रेलमगरा जाकर के आया था तो वहाँ गांव में लोग अभी भी इस चीज को लेकर के ज्यादा अवेयर हो नहीं रहे हैं. हालांकि उनके पास में इंफॉर्मेशन है कि हमें मास्क लगा करके रखना चाहिए, हैंड वॉशिंग टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, ये उनको पता है, लेकिन फिर भी लापरवाही वश वो इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं. जितने भी लोगों से मैं मिला शुरू में, जब वो लोग मिले तो किसी के मुंह पे मास्क नहीं था, लेकिन मैं और मेरी टीम जब गए तो केवल हम लोगों के मुंह पे ही मास्क लगा हुआ था. जब हम उनसे बात कर रहे थे तो वो या तो अपना जो रुमाल है उससे मुंह ढक रहे थे या फिर महिलाएं थी तो वो घूंघट निकाल रही थी.
लेकिन वो दिक्कत यह है कि जब तक उनको वो जब भी बाहर निकले इन सब का पालन नहीं करेंगे तब तक उनको बचा पाना थोड़ा सा दिक्कत वाला रहता है बच्चियों के साथ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जब अगर हम पहले की वक्त पे जाते हैं और खासकर की जब पोलियो का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो कितनी अवेयरनेस प्रोग्राम करा गया, कितने लाउडस्पीकर से हम कहाँ कहाँ जाके बोलते रहे ताकि पोलियो लेना कितना जरूरी है। तो शुरुआत में कभी कभी ऐसा ही होता है कि सब लोग उस बात की सुनते नहीं है, उनको नहीं समझ में आता, वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं करते हैं। तो जितना हम बोलते जाएंगे उतना ही अच्छा है क्योंकि ये लंबा चलने वाला है। तो ये मास्क बहुत जरूरी है हम सबके लिए, केवल अपने लिए नहीं है लेकिन हम जब कम्युनिटी में जाते हैं तो सबको उससे दूर रख सकते हैं। दैट इज व्हाई वी नीड टू वेयर मास्क। आपने बहुत अच्छा बोला। हाँ, और दूसरा यह है कि उनको ये भी पता है कि हमको कितनी दूरी पर रह करके बात करनी चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि दूरी बना करके बात जरूर कर रहे हैं लेकिन अभी भी जो मास्क पहनने वाली आदत है वो उनमें जितनी हो जानी चाहिए वो हो नहीं पा रही है। वो मेरे हिसाब से जो मैं सोच पाया हूँ और जो फील्ड टीम है उसके साथ में बात करके पता चला है, उससे मुझे लगा कि सिर्फ ये उन लोगों की लापरवाही है, बाकी सबको पता है। और इवन हर घर में मास्क पहुंचे हुए भी हैं, हमारे टीचर्स ने भी बहुत सारे परिवारों में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है और बहुत सारे बच्चियों को भी सिखाया भी है कि कैसे वो घर पे अगर उनके पास में सिलाई मशीन है तो अपने घर के स्तर पर वो बना सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी तरह से शेयर किया। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे को और जानेंगे जब थोड़ी सी और बातचीत करेंगे। सो हाउ आर ऑल ऑफ यू फीलिंग टुडे? आज मन कैसा है? आप सबको बात करनी है और आप सबको बात करके अच्छा लगेगा। कैसी मन कैसा है, कैसी फीलिंग आ रही है, मन में कोई विचार आ रहे हैं या मन में कोई घबराहट है या आपकी सोच में ऐसा लग रहा है कि आगे क्या होगा या कोई समस्या का आप सामना कर रहे हैं, क्या है आज, आज की आपकी फीलिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। आई थिंक आगे क्या होगा एक यू नो एस्पेक्ट है जो हमेशा ही माइंड में रहता ही रहता है कि आगे क्या होगा। हाँ, वो अनसर्टेनिटी, यस, फ्यूचर एट द करंट सिनेरियो। जी, सो वो अनसर्टेनिटी तो रहेगी और प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कुछ भी, पर धीरे धीरे हम पिछले 4 महीनों में ये भी देख रहे हैं कि बहुत कुछ सुधर भी गया है। जैसे कहा कि रामचंद्र जी ने कहा कि काफी कुछ बेटर हो गया है, हम लोग खुल गया है, हम बाहर जा सकते हैं। सो लेट्स बी मोर पॉजिटिव, और थोड़ा सा पॉजिटिव रहेंगे तो आगे का और भी अच्छा रहेगा। और कैसे सबको फीलिंग आ रही है? हम सब बहुत हैं यहाँ पर। मैम एक्चुअल में क्या है कि आज तो थोड़ा अच्छा लग रहा है कि जब पता लगा कि इस तरह का एक मेंटल हेल्थ को लेके है। अमूमन इन दिस डेज में हम क्या फील कर रहे हैं कि मैम एक तो थोड़ा चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो गया है, पता नहीं क्यों है कि आफ्टर द मार्च मैंने फील किया, मैं अपनी बात करूंगा कि मुझे मतलब थोड़ी सी बात बहुत गुस्सा और चिड़चिड़ापन, झल्लाट झुंझलाट ये होती है, बट ये है कि ये पता नहीं क्यों है कि फिर भी हम, मैं तो बाहर घूम रहे हैं कि गांव में जा रहे हैं, बट वो है कि पता नहीं क्यों है, बट इन पिछले जब से लॉकडाउन हुआ तब से ये चीजें हो रही है। मतलब हाँ, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो हम न्यूज बहुत सुन रहे हैं और न्यूज में बहुत नेगेटिविटी आ रही है, एक फॉरवर्डेड मैसेजेस हम पे बहुत सारे आते हैं और शायद हम उनका कुछ ना कुछ हम पे इम्पैक्ट हो जाता है इसका। और तीसरी चीज है कि अब ये नहीं समझ में आ रहा किसी को इन्फेक्शन होगी कि नहीं होगी, हमको होगी कि नहीं होगी, ये कब चला जाएगा हमारे देश से, हम कब खुल के बातचीत कर सकते हैं, मिलजुल सकते हैं, और कोई फंक्शंस जो हमारे होते थे जो अब नहीं हो रहे हैं, और भी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हमें बहुत सारी एंग्जाइटी हो रही है। क्योंकि हमें घर पे बैठ के काम करने की शायद आदत नहीं है। हम सब बहुत तैयार होके ऑफिस के लिए निकलते थे और थोड़ा जब ऑफिस में लोगों से जाके मिलते थे तो और भी अच्छा लगता था, थोड़ी चाय पे चर्चा करते थे या इकट्ठा खाना खाते थे, तो ये मिलजुल कर जो हम काम करते थे शायद हम उस चीज को मिस कर रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि हम कहीं बंद हो गए हैं, हम घूम फिर नहीं सकते हैं। हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हमारे मन में थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट आ गया है, हम इस चीज को पहचान नहीं पा रहे हैं कि क्यों चिड़चिड़े हो गए हैं या क्यों गुस्सा आ रहा है, शायद अपने आप से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं
या हम अपने देश से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कहीं गुस्सा हमें ये आ रहा है कि ये वायरस आया ही क्यों हमारे पास। बहुत सारे सवाल हैं ऐसे, तो आप मुझसे शायद सहमत हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यही कारण है। हाँ मैम ऐसा ही कुछ है, क्योंकि एक तो आदत नहीं, जो आपने बोला कि ये शायद मैंने भी फील किया कि जैसे हमें घर में बैठने की आदत नहीं थी कि वर्क फ्रॉम होम की, हमारा कहता है कि सुबह ऑफिस जाना है, फील्ड जाने का था, तो इस तरह का है। और दूसरा मैम क्या है ना, अभी जैसे हम फील्ड में हम लोग जाते हैं तो मैंने एक चीज नोटिस की, यंग जनरेशन में खास करके 22-35 की एज के लोग क्या डिस्कस करते हैं, पता नहीं कितने दिन की जिंदगी है, कोरोना होगा क्या है, अभी जितने दिन है जी लो बस। ये मैंने मतलब लोगों में देखा है इस तरह का, कि पता नहीं क्यों लोग ऐसा सोच रहे हैं ना, तो गिव अप कर रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसा उनको लग रहा है। और कुछ ऐसे फॉरवर्डेड मैसेज भी आ रहे हैं कि हम अभी जी लें, कल का भरोसा नहीं है हम सबको, मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है। जी मैम शायद हो सकता है मैसेज का इम्पैक्ट हो, क्योंकि लोगों को ये होगा कि वैक्सीन तो पता नहीं कब आएगी, ये कब होगा, हम बंद हो गए, तो ये लोगों में है एक मन में बैठ गई है, लेकिन खासकर यंग जनरेशन में है, खासकर यंग जनरेशन में ये। हाँ क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आगे पता नहीं स्कूल जाएंगे नहीं जाएंगे, स्कूल बंद हो गए, बोर्ड ही नहीं हुए, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि बोर्ड ही ना हो, यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं हो रहे, तो इसीलिए वो क्वेश्चन मार्क है, अनसर्टेनिटी है। लेकिन प्रॉब्लम्स तो हमेशा जिंदगी में आएंगी आएंगी, है ना, उसको तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं। यू नो यू वेक अप टुमारो मॉर्निंग एंड यू विल हैव सम प्रॉब्लम्स और द अदर, सो प्रॉब्लम्स तो हमेशा ही रहेंगी, पर हमें इन प्रॉब्लम्स का सामना करना आना पड़ेगा। थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बात करी। कोई और है कुछ और बताना चाहेगा, आपकी मन में आज कैसा है, क्या फीलिंग आ रही है आपको? हेलो, यस, हाँ जी बताइए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं रजनीकांत साहू जी, कोलकाता से जी। तो मेरा मैम ये बात है कि आज जो फीलिंग हो रहा है, जैसे अनुज ने बताया, सेम वैसा ही कुछ दिनों से, पहली बार नहीं है कि कुछ दिनों से ऐसा ही है, क्योंकि हमारे लाइफ में अचानक से ऐसा एक मोड आ गया जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे, क्योंकि हर एक के लाइफ में, और हर एक का लाइफ में अलग अलग काम है जो वो करता है, अलग अलग नजरिया है। लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि अगर मैं कुछ भी करता हूँ, ठीक करता हूँ कि ये ऐसे चलूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो अगले दिन कुछ अलग होगा, लेकिन अचानक से वो जो ठीक करता हूँ वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से मैं और ज्यादा चिड़चिड़ाहट बन जाता है। तो चेंज क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि चेंज जो हमारे लिए, हम थोड़े से कंफर्ट में रहते हैं, कंफर्ट में रहने की आदत हो जाती है, हम कोशिश पूरी करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, और हमें इस चीज के लिए किसी ने भी तैयार नहीं किया था, हमारी कोई तैयारी नहीं थी, हमें कुछ नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। थोड़ी तैयारी होती तो शायद हम बहुत कुछ और कर सकते थे। ऑफिस एकदम बंद हो गए, सबको ऐसा लग गया कि मालूम नहीं खाने पीने को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हमारे मन में वो शुरुआत से ये डर बैठ गया है, बहुत बड़ा डर है, और इस डर को लेते हुए हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, और इस डर के कारण ही आज हमारे को बहुत एंग्जाइटी है। ठीक है, तो धीरे धीरे आगे चलते हैं तो और भी चीजें इसमें समझेंगे। थैंक यू। सो आर यू ऑल फीलिंग अफ्रेड? हमने इस बारे में भी बात कर ली कि हमें सबको कहीं ना कहीं कुछ डर लग रहा है, है ना? सो लेट मी फर्स्ट से कि यू नो डर तो रहेगा और ऐसी प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी, लेकिन ये अलग किस्म की प्रॉब्लम है और हमने इस बारे में भी बात करी। कोई और है जो मुझसे बात करेगा कि आपको डर लग रहा है आजकल? मैम मेरा नाम रवि है जी, एंड अभी दो तीन लोग बहुत डर की बात कर रहे थे, तो ट्रस्ट मी मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं है, बिकॉज अभी पिछले 5-6 दिन से मैं कोरोना पेशेंट के साथ ही रह रहा था, सो और एक ही कमरे में थे तो उनके साथ रहा, उनके टेक केयर किया है, तो इतना इशू था नहीं। मैंने खुद को थोड़ा सा प्रिकॉशन में रखा, सारे प्रिकॉशंस फॉलो किए रहे हैं, एंड नास्ती कल मैं दिल्ली से वापस आया हूँ, एंड आई थिंक परसों मैंने अपना टेस्ट करवाया था जो कि नेगेटिव आया, बट मैं अभी वापस अपने नेटिव प्लेस पे आया, तो मैंने खुद को क्वारंटाइन किया हुआ है कि माइट बी इन केस अगर कुछ भी ऐसा रहता है तो कम से कम घर पे नहीं हूँ। सो अगर वायरस की बात कर रहे हैं तो आई एम लीस्ट वरिड नाउ, बिकॉज मेरे को लगता है कि प्रिकॉशन ही सबसे बेस्ट है जिससे हम बच सकते हैं, एंड अवेयरनेस ऑब्वियसली अगर हम कुछ लोगों को अवेयर कर सकते हैं तो ये सबसे बेस्ट होगा। जब हम टीचर से मिल रहे हैं, सुपरवाइजर से मिल रहे हैं, या जिनसे भी मिलते हैं उनको अगर अवेयर कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा
प्रिकॉशन के फायदे बता सकते हैं तो शायद बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि डर को सामने रख के अगर हम कुछ भी करेंगे तो फिर हम नहीं अचीव कर पाएंगे। यू नो इट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि हम डर को पीछे रखें और आगे चलने की कोशिश करें तो हम हर चीज का सामना कर लेंगे। और आपने एकदम एक्सीलेंटली बोला कि वॉट इज इम्पोर्टेंट इज टू टेक केयर ऑफ दीज प्रिकॉशंस एंड देर आर ओनली अ फ्यू प्रिकॉशंस, यू डोंट हैव टू डू टू मेनी, सो इफ यू कीप टेकिंग दोज प्रिकॉशंस तो जिंदगी आगे सही चलेगी। और इसकी पॉजिटिविटी सोचते हैं ना, कोविड ने हमें बहुत कुछ पॉजिटिव सिखाया है, सिर्फ नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। हम सबको घर में रहना आ गया है, नहीं तो हम घर से बाहर भागते थे और बहुत भागने की कोशिश करते थे और मतलब ऐसा लगता था कि हम बस भाग ही रहे हैं और इतनी चीजें खरीद के घर में भी रख रहे थे जिसकी जरूरत ही नहीं थी। तो हमें बहुत कुछ कोविड ने सिखाया है, सो डर को हमें पीछे रखना है और डर को छोड़ के आगे जाने की कोशिश करनी है। पॉजिटिव रहने की जरूरत है, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये भी अच्छा है जो आप लोग बात कर रहे हैं, आपकी बातें बाकी लोग भी सुन रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छा है कि सब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। एंड मैम एक चीज और भी शेयर करना चाहूंगा मैम, ये माइट बी मेरी प्रॉब्लम है और करीब करीब साल भर से ये ज्यादा हो गई है, सो उस पे थोड़ा सा मैं जानना भी चाहूंगा, सोल्यूशन चाहूंगा या कुछ ऐसे चीजें जो मैं कर सकता हूँ इस बीच में, सो उसके बारे में जानना चाहूंगा बिकॉज मेरे को गुस्सा बहुत आता है। हाँ, तो अभी धीरे धीरे हम उधर जाएंगे, आई थिंक वी कैन मूव, नहीं तो समय हमारा कम हो जाएगा इस बात पे, हमें और भी बहुत सारी चर्चा करनी है, सो वी विल टेक इट फॉरवर्ड। So, हमने अभी ऑलरेडी हमने बात कर ली है कि हमने व्हाट आर वी फीलिंग अफ्रेड अबाउट, हम पहले डर लग रहा था। सो सबसे अच्छी चीज ये जानने के लिए कि द बिगेस्ट फियर इज फियर इटसेल्फ, यू नो, एंड इट्स अ फर्म बिलीफ, यू नो, बिकॉज़ उस फियर का कोई नेम ही नहीं है, कोई रीजनिंग ही नहीं है, इट इज ऑल अनजस्टिफाइड, एक अनजस्टिफाइड टेरर हमारे मन में बैठ जाता है एंड इट पैरालाइजेज आर एफर्ट्स टू कन्वर्ट इट इनटू एनीथिंग एल्स, यू नो, इट पैरालाइजेज आर एफर्ट्स। So fear is an emotion which is induced by perceived danger. You know, it's a perceived danger. हमें डर लग रहा है और danger और threat हमें लग रहा है कोई ना कोई, और इसके कारण हमें वो body में physiological changes आ रहे हैं जिसके कारण हमारे behaviors change आ रहे हैं और हमें मन कर रहा है या तो हम भाग जाए या हम छुप जाए या हम फ्रीज हो जाए कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह का जो ट्रोमैटिक इवेंट है और ये जो हुआ है हमारे साथ हम इसका सामना कैसे करें। So fear is completely normal to happen, you know. So whenever we feel fear, हमें जब भी डर लगता है तो हमें कुछ सवाल अपने आप से पूछने जरूरी है, क्या वजह है जो ये फियर आ रहा है हमारे अंदर ना? हम थोड़े से पॉइंटर्स अपने पास लिख के रख लें तो उस पॉइंटर से हमें काफी मदद मिल जाती है। What is the reason of this fear? किस वजह से हमें डर आ रहा है और क्या ये डर का कारण जो है जो मेरे मन में है क्या वो रियल है या इमेजिनरी डर है। अब इमेजिनरी डर ये भी हो सकता है कि मैं सब्जी लेने जा रही हूँ या मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, गांव में घूम रहा हूँ तो मुझे तो पक्का कोविड हो जाएगा। तो जैसा आपने कहा कि जरूरी नहीं है कि कोविड हो जाएगा, आपने बस डर को दूर रखना है। सो आपका क्या ये रियल रीजन है क्या और व्हाट आर द चांसेस ऑफ दीज कॉजेस टू हैपन, यू नो, हमने इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके, अपने डर को ब्रेक डाउन करके हमने इसका अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। तो बहुत सारी जैसे किसी को ये भी लग सकता है दैट आई हैव नॉट रीच्ड माय गोल्स, कि मेरे जो गोल्स थे या मेरे जो टारगेट्स थे वो मैंने रीच नहीं किए और इसके कारण मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो लाइफ के टफेस्ट गोल्स ना बहुत सारे कभी कभी अटेम्प्ट करने पड़ते हैं हमें उन्हें हासिल करने के लिए, जरूरी नहीं है कि एकदम ही करने से वो गोल हमारा हासिल हो जाएगा, है ना। और पीपल टॉक अबाउट सक्सेसेस, यू नो, एंड पर्सनल डेवलपमेंट्स, लेकिन बहुत सारे हम में से हैं जो शायद उस गोल को कभी रीच ही नहीं कर पाए लेकिन हम बातें हमने करी थी। तो हमें इन सब चीजों का सामना करना आना पड़ेगा। What steps can I take to manage the causes, you know, and what help do I need and who is it who can help me? क्या हम बात करने से हमारे डर दूर हो सकते हैं या आपको शायद ऐसा लग रहा है अभी कि मेरी लाइफ में कोई मीनिंग ही नहीं है, मालूम नहीं क्या होगा, जैसे किसी ने कहा कि यंग लोग बात कर रहे हैं कि आगे मालूम नहीं क्या होगा, ऐसा लग रहा है दैट यू नो यू हैव दीज मोमेंट्स कि हमारी लाइफ में कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा और हमें समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे चलना है। तो ऐसे सवाल काफी आ सकते हैं और कई ऐसे क्लाइंट्स आए हैं मेरे पास अब इस समय पे
जो ऐसी बातें वो बोल रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ऑफिस जाने का मन नहीं करता, या मन में चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है, बच्चों को बहुत ज्यादा डांट रहे हैं, तो इन सब के बारे में हम अभी धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा एक कोई फियर के बारे में हम एक एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। कोई भी एक डर लीजिए, आप में से कोई भी मुझे कोई भी एक डर लीजिए और हम एक एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक अ फियर एंड डू दिस एक्सरसाइज। कोई बोलना चाहेगा, कोई अपना कोई डर शेयर करना चाहेगा स्पेशली फील्ड से? कोई भी है तो मैम इसमें हाँ जी अनुज बोलिए। जी मैम, इसमें डर क्या है आज की तारीख में कि अगर मान लो मैं किसी से बात करता हूँ तो मुझे ये डर लगता है कि इसके माथे पे तो लिखा हुआ नहीं कि कोरोना है, बट कहीं कोरोना पॉजिटिव बंदा ना हो। मैं बात करते हुए रियल में फील करता हूँ जिससे बात करूं ना करूं या एक डिस्टेंस मेंटेन रखूं, ये डर है कि अभी भी अगर मैं घर से वापस घर पे जा रहा हूं या जा रहा हूं कि मैं सेफ हूं या नहीं। चाहे मैंने एक चीज महसूस की मैं कितना भी प्रिकॉशन ले रहा हूं, मैं फिर भी दुकान से सामान लूंगा, मे बी कि वो जो शॉपकीपर है वो पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि बिना सिम्टम्स के भी कुछ केसेस आ रहे हैं, तो वो मैम एक डर है बाहर निकलते हुए अभी भी। जी, तो हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें इस डर को लेके कि आपके मन में एक डर है कि मैं जा रहा हूँ और उसके माथे पे आपने बोला नहीं लिखा हुआ है और हो सकता है उसके कोरोना हो, तो आपने अपनी पूरी प्रिकॉशंस ली हैं, आपने अपने ग्लव्स पहने हैं अगर सामान ले रहे हैं, आपने अपना मास्क पहना है, आपने अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रखी है, और आपने जो घर आना है वापस आपने उन चीजों का कैसे ध्यान रखना है। सो इट इज नॉट एसेंशियल कि आपको कोरोना होगा, आपके मन में वो डर है लेकिन वो डर आपके जरूरी नहीं है, जैसे किसी को खांसी जुकाम हो गया या एक बुखार आ गया तो जरूरी है कि कोरोना ही हो जाएगा, इट इज नॉट नेसेसरी। तो अगर आप अपनी पूरी प्रिकॉशंस लेंगे तो उससे आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। इस डर को छोड़ के कोई और डर है किसी के मन में, कोई और सोच आ रही है? गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम रुक्मिणी है। एक मतलब ये तो डर है जैसे अनुज ने बोला, और जो इसके साथ जो है जो रिलेटेड है आर योर पेरेंट्स या ओल्डर पीपल एट होम। सो बेसिकली सिंस वी आर गोइंग आउट पार्शियली तो ऐसा हमेशा लगता है दैट आई होप वी डोंट ब्रिंग बैक एनीथिंग व्हिच वुड इफेक्ट देम। यस सो रुक्मिणी, यू हैव अ वेरी वैलिड फियर ओवर देयर। Even we go out, you know, we go to the hospital or to the clinic and we come back and my mom is there in the house. So again, those same things we keep in, you know, in our minds that we do not allow her to come out of her bedroom towards other areas where others are roaming around. And we also keep that social distance away from her. And she's been told that we will be away, but we are there. But because we are going through this and whenever we go towards her, we'll wear a mask and we'll go. So we take all those precautions. Yes, we're supposed to take those precautions, but it's not that all the time we are, all the time presuming and assuming that this is going to happen. Let's not create that excessive fear in our minds. You know, that excessive fear is always going to be troubleshooter for us. Yeah. और कोई है जो अपने और किसी तरह का जो दिमाग में डर आ रहा हो इसके बारे में बात करें? कोई शेयर करना चाहेगा? यस मैम, यस मैम, जी बोलिए। मैम एक चीज ये है कि जब मैं अपने कुछ दोस्तों जिनकी जॉब जो है कोविड से पहले छूट गई थी या कोविड के दौरान छूट गई, तो वो कहीं ना कहीं उनको आगे अपना सर्वाइवल का सबसे ज्यादा खतरा और सबसे ज्यादा डर है कि हम अब कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा डर है। हाँ, मैं शायद पूरा नहीं समझ पाई क्योंकि नेटवर्क में कुछ हो रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था, मेरे को पूरा सवाल आपका समझ भी नहीं आया। फरहान एक बार स्टार्टिंग वाला रिपीट करना प्लीज। हाँ तो यस मैम,
मैं ये कह रहा था मैम कि मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी जॉब जो है कोविड से पहले ही चली गई थी और कुछ लोग हैं जिनकी जॉब कोविड के दौरान चली गई, उनको कहीं ना कहीं आगे अपनी लाइफ को कैसे सरवाइव करें ये एक बहुत बड़ा खतरा और बहुत बड़ा डर उनको महसूस हो रहा है। क्योंकि कहने के लिए तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है लेकिन कितना सपोर्ट कर रही है हम और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने जो है अच्छे कॉलेज लॉ किया है लेकिन आप सब लोगों को पता है कि वह जो है आजकल कोर्ट कितना चल रही है वो बहुत ज्यादा परेशान है, उनके जो लाइफ स्टाइल है वो आम जनता की तरह नहीं रह सकते, तो उनके मन में जो इस तरीके का डर है तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये वाली जो समस्या है ये बहुत सारे लोगों के साथ में है और ये बिल्कुल ही रियल समस्या है और बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है या बहुत सारे लोगों का पे कट हो गया है, ये रियल प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव ये सोचने की जरूरत है कि हमने अगर पढ़ाई लिखाई करी है तो जरूरी नहीं है कि हमें वही वाले एरिया में काम ढूंढना है, शायद हम इस जमाने के जो काम है उन चीजों में हम थोड़ा सा अपने आप का इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके काम चले गए हैं और हमने देखा है कि वो शायद पीपीई बनाने लग गए हैं या सैनिटाइजर्स बनाने लग गए हैं या मास्क बनाने लग गए हैं, बहुत सारे जिनके कपड़े बनते थे वो कपड़े नहीं बन रहे हैं अब मास्क बना रहे हैं, तो अपने रोजमर्रा के जीवन को चलाने के लिए उन्होंने कुछ और काम स्टार्ट कर दिया है। कुछ जो दूसरे लोग हैं जैसे ड्राइवर्स थे, अब बहुत सारे ड्राइवर्स तो यहाँ उबर ओला के चले गए गांव में, या जो बच गए हैं जो रेगुलर ड्राइवर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे उनकी जॉब चली गई, तो मेरी उनके बहुत सारे ऐसे लोगों से बातचीत हुई है जहां पर उन्होंने कहा कि मैम हम तो सब्जी की रेड़ी लगा के हम सब्जी बेचने लग गए हैं, हम अपने बच्चों को पाल सकते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमें इस समय पे थोड़ी सी इन्वेंशन और क्रिएटिविटी लाने की जरूरत है और एजिलिटी, मतलब कि हम गिव अप नहीं करेंगे और जरूरी नहीं है कि मैंने जिसमें पढ़ाई करी है मैं वही वाला फील्ड को यूज करूं, मैं कुछ और भी कर सकता हूं। कई सारे लोग हैं जो ऑनलाइन पे उन्होंने बहुत चीजें सिखाने लग गए हैं, जैसे हमारे स्कूल के टीचर ही हैं, बहुत सारे स्कूल के टीचर्स बहुत पुराने जमाने के जिनके पास ये समझ नहीं है इसको ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है, लेकिन सबने सीखने की कोशिश करी है, जो नहीं सीख पाए या जिन्होंने गिव अप कर दिया वो छोड़ गए उस चीज को, लेकिन जिन्होंने थोड़ी 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 मेहनत करी है तो शायद उस तरह का पैसा नहीं कमाया लेकिन कुछ पैसा जरूर कमाया है। तो मेरी राय एज अ मेंटल हेल्थ पर्सन ये है कि आपको अपना दिमाग थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। जी हाँ लॉस है, हमें डर है, लॉस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको छोड़ दें, हमें अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है, पीछे नहीं जाना है, तो हमें थोड़ा सा ये काम करने की जरूरत है। सो आई एम श्योर आप लोग इस बात को थोड़ा सा समझेंगे कि जो मैं समझा रही थी। सो एंग्जाइटी ना बहुत तरीके से आती है, एंग्जाइटी एक नॉर्मल इमोशन है जिसमें फीलिंग वरिड है जिसमें मैं जी, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ अभी की अपनी पसंद को चीजों के ना करके अभी इस समय में हम कुछ हट करके भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं हो कि हमारी पसंद क्या ही हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने अपने जीवन को चलाना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है, कुछ पैसे कमाने हैं, इस पैसों से आप घर चलाएंगे, अपने आप को चलाएंगे और खुश रहेंगे क्योंकि आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ हासिल कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। सो ये जरूरी है कि अपने इस चेंज के लिए आप ओपन रहें और एक वो जो एक आप तरीका आपने ढूंढ लिया था कि आप कंफर्ट जोन में ही रहें, जो आप काम कर रहे थे वही करते रहेंगे, उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करें। बहुत अच्छा बोले आप। सो एंग्जाइटी जो है वो एक फीलिंग वरिड का नॉर्मल इमोशन है और ये सबको होती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो इम्तिहान देने जाता है तो उससे पहले थोड़ा सा उसको एंग्जाइटी होती है, और एक लेवल की एंग्जाइटी अच्छी होती है क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस उससे बेटर हो जाती है, लेकिन एक लेवल का एंग्जाइटी जब बढ़ जाता है और रोजमर्रा के जीवन में हमें बहुत टेंशन, बहुत वरी, बहुत सारे फियर्स आने लग जाएं और खूब समय तक चलते जाएं और किसी खास वजह से नहीं आ रहे,
तो वो एक एंजाइटी डिसऑर्डर में चेंज हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। लेकिन नॉर्मल एंजाइटी हम सबको हो जाती है और उसका सामना तो हम लोग बचपन से सीख रहे हैं करना, तो इस समय पे शायद और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर, तो हम इस चीज को सीख पाएंगे। और मेरी कोलीग जो है जो कल बात करेंगी आप सबके साथ में, वो और भी डिफरेंट वाली बात है कि हम कैसे बाउंस बैक करें, कैसे हमारी रेजिलियंस है, हमारे पास जो जो हमने आज पहले कर रहे थे और जो अभी चेंज हुआ है, तो हम आगे कैसे जाएंगे, उसके लिए बात करेंगे, उससे भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। सो एंग्जाइटी इज नॉर्मल, एवरीबडी फील्स इट, यू नो। जब एंग्जाइटी नॉर्मल नहीं होती है, जो मैं आपको बता रही थी, तो उसका मतलब उसमें हमें अपने शरीर में भी कुछ सिम्टम्स नजर आने लग जाते हैं और मानसिक रूप से भी हमारे कुछ सिम्टम्स नजर आने लग जाते हैं। और इन सब को ये समझना जरूरी है कि इट कैन बी मैनेज्ड, एंग्जाइटी कैन बी मैनेज्ड, वी हैव टू लर्न टू मैनेज दैट एंग्जाइटी। तो हमारे माइंड एंड बॉडी को हमने थोड़ा सा काबू में रखना है और उससे सीखना है हमने। सो एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है वो हमारे किन चीजों में असर कर सकते हैं, हो सकता है जैसे किसी ने कहा कि मैं बहुत टेंशन में रह रहा हूँ, या मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूँ, इरिटेबल हो गया हूँ, या मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लग गए हैं। तो ये चीजें हम सबको है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा का मतलब है पूरे दिन में कई बार ऐसे आ जाता है और मैं जो काम करना चाह रहा हूँ या काम करना चाह रही हूँ उसमें मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा, तो उस चीज को हमें ट्रीट करना, उस चीज को मैनेज करना हमने सीखना है। ऐसा कभी कभी लगता है कि मेरे हाथ से बहुत सारी चीजें चली गई हैं, मेरा कंट्रोल चला गया है, और अपने आप को ऐसे फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस आती है कि आगे क्या होगा, या मुझे नींद नहीं आती, बहुत समय तक नींद नहीं आती है। तो इन चीजों पे थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी और मैं आगे बताती हूँ आपको कैसे। और जो हमारे शरीर पे कैसा रूप ले लेती है एंग्जाइटी के, हमें कभी कभी सांस लेने में दिक्कत आती है, या बहुत ज्यादा ब्रेथलेस हो जाते हैं, बहुत समय तक हेडेक चलता ही रहता है, हेडेक जाता ही नहीं है, स्वेटिंग होती है, या ड्राई माउथ हो गया, या आपके पैरों हाथों में शरीर में बहुत दर्द होने लग जाती है, कुछ कुछ घबराहट जैसे हार्ट रेट बढ़ गया, पैल्पिटेशन हो गई, तो इस तरह की चीजें एंग्जाइटी टर्न कर जाती है अगर काफी अरसे तक रही और इससे आप अपने रोजमर्रा के जीवन में काम नहीं कर पाए। सो यहाँ किसी को मुझसे सवाल पूछना है कोई, किसी का कोई सवाल यहाँ पर? नो, ओके, हेलो, वी कैन, हाँ जी मैम, मेरा सवाल नहीं है, मतलब इसी से संबंधित एक क्वेरी आ रहा था, तो थॉट है जो शेयर करना चाह रहे थे कि जो गुस्सा हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो अपने से छोटे या जो साथ में काम करते हैं उस पे तो आ जाता है, लेकिन वही जब बॉस के साथ हम बात करते हैं तो सेम गलती को दोहराते हैं तो वहां नहीं आता, वहां नहीं आता गुस्सा, नहीं आता। सेम गलती अगर मेरा कलीग दोहराए तो आ जाता है, लेकिन वही सेम गलती मेरे बॉस अगर दोहराए तो गुस्सा वहां पे नहीं आता, इसके पीछे क्या? क्योंकि जो हम उम्र के होते हैं, जो हमारे पीयर्स हैं, जो हमारे कोलीग्स हैं, उनके ऊपर तो हम नाराज भी हो जाए तो भी चलेगा, और लगता है कि मेरे पास पावर है, मेरे पास अथॉरिटी है ये वाली बात करने के लिए। लेकिन अगर बॉस है तो उसके सामने नहीं आएगा क्योंकि मुझे उसकी बात सुननी है, अथॉरिटी सारी राइट्स उसके पास है, तो ये कारण भी हो सकता है। और कभी कभी हमें ये ऑफिस में भी होता है और घर के माहौल में भी यही सेम चीज होता है, कहीं पर हम कर सकते हैं, कहीं पर नहीं कर सकते हैं। तो ये गुस्सा है कि ये सोचा समझा एक मतलब बिहेवियर है? बहुत ही अच्छा आप बोल रहे हैं कि गुस्सा आप कंट्रोल में ले लेते हैं और कहीं कहीं आप बिखर से जाते हैं, क्योंकि आप वहां बिखर सकते हैं, वहां आपको कोई जज नहीं करेगा, आपकी बात सुनेगा, लेकिन अगर बॉस के सामने होएगा तो शायद आपकी ऊपर जजमेंट आएगी या आपके वर्क के ऊपर कुछ असर आएगा। तो ये सीखा हुआ भी है और आप अपना गुस्सा कंट्रोल भी कर सकते हैं, दोनों है चीजें। थैंक यू। सो हमें ये सोचना जरूरी है कि जब प्रॉब्लम आती है तो हम उसके बारे में बहुत डर लग रहा होता है और हमें बहुत वरीड हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं
कि हम इस प्रॉब्लम का सामना कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बहुत सारे मन में आइडियाज आ रहे होते हैं, और इसके कारण क्योंकि इतना सोचने लग जाते हैं तो स्ट्रेस आ जाता है कि अब मैं आगे क्या करूं, इस चीज को कैसे चेंज करूं, इससे जो मेरा लाइफ का जो प्रॉब्लम आ रहा है इसको और कैसे मैं ठीक कर सकूं, और इसके कारण एंग्जाइटी होने लग जाती है. व्हाट विल हैपन अगर जैसे मेरा जॉब चला गया, तो मेरा व्हाट विल हैपन अगर हम इसी समस्या को लें, तो इसी तरह से हम इस चीज को हासिल कर सकते हैं. और अगर मेरे पास कोई सवाल का जवाब नहीं आ रहा और मैं गिव अप कर दिया मैंने, तो मेरे पास ये होपलेसनेस की फीलिंग आती है, थोड़ा सा डिप्रेशन सेट इन हो जाता है. और ये बहुत लोगों को होता है, आम लोगों को आम चीजों में ये इस तरह की फीलिंग आने लग जाती है. आप लोग और भी कुछ है जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? एनी अदर प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग? यू हैव शेयर्ड अ लॉट विद मी, बट आई वुड बी हैप्पी इफ यू शेयर मोर विद मी. यस, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मतलब जब भी मुझे कोई टेंशन होती है तो मेरे को नींद बहुत ज्यादा आती है, पता नहीं कुछ भी, चाहे ऑफिशियली टेंशन हो, चाहे फैमिली टेंशन हो, या कोई भी टेंशन हो, पता नहीं मेरे को उस टाइम बात करने का किसी से मन नहीं करता, बस ये फील करता है कि बस सो जाऊं. और बहुत ज्यादा फिर मैं लंबा सोता हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे होता. मैंने शुरुआत में आपको एक बात कही थी कि जब हमें डर लगता है तो हमारे तीन तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, या तो हम भागते हैं, फ्री कर जाते हैं, या हम छुप जाते हैं, या हम फ्रीज कर जाते हैं. और इसमें से एक यही है तरीका, जो हम सो जाएं, क्योंकि अगर सो जाएंगे तो हमारी सोच इतनी नहीं आएगी और उस सोच से हमें डर नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा तो एंजाइटी नहीं बढ़ेगी, एंजाइटी नहीं बढ़ेगी तो जो एंजाइटी रहेगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. तो इसीलिए सबसे बेस्ट आपको ये, आपने ये ओवर द ईयर सीख लिया है कि सो जाएं तो थोड़ा शांत हो जाएंगे और अवॉइड भी कर देंगे, तो ये थोड़ा सा लर्न रिस्पॉन्स आ जाता है. लेकिन हमने ये सीख लिया है कि हम सो जाए तो थिंग्स थोड़ी बेटर हो सकती है. मैं थोड़ा सा आपसे एक चीज और पूछूंगा जी. जिस टाइप से मान लो मुझे, अगर मान लो कोई टेंशन है और मैं सो रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि आप उसका सामना करो, कि वो बात है क्योंकि मैंने कई मेरे फ्रेंड भी बात करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि तो आप उससे भागो मत, उसका डट के सामना करो. मैं कहता हूँ कि नहीं, अगर मेरा किसी से बहस हो रहा है तो मैं उस टाइम चुप रहना थोड़ा ज्यादा पसंद करूंगा कि बात वहीं की वहीं खत्म हो जाए. बट वो कहते हैं कि नहीं, इससे दिमाग में चीज चलती रहती है. तो क्या वो मेरा आइडिया कि गलत है कि मैं कहता हूँ कि नहीं मैं चुप होकर वहां से निकल जाऊं जहाँ पे बहस हो रही है मेरी किसी के साथ? दो तीन तरीके हैं इस बारे में सोचने के लिए कि जहां आपकी आर्ग्यूमेंट हो रही है, बहस हो रही है, आप उस समय उस चीज को एस्केलेट करे बिना तो आप चले गए, थोड़ा दूर हो गए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सो जाएं. वो जो आपको ये बता रही है कि उस समय जो बहुत हमारा एंगर आ रहा होता है, उस समय उसको डिसिपेट करने के लिए आप अलग हो गए. लेकिन अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम सामना नहीं करते हैं, इसको थोड़ा रिजॉल्व नहीं करते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहेगा. और जिस इंसान के साथ आपकी प्रॉब्लम हुई है वो शायद रिपीटेडली होती रहेगी क्योंकि हमने उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं किया. तो जरूरी नहीं है सामना का मतलब है झगड़ा. सामना का मतलब झगड़ा नहीं है, सामना का मतलब है उसके बैठ के हम बात कर सकते हैं और उसको हम थोड़ा सा रिजॉल्व कर सकते हैं, अपने मन में भी कर सकते हैं इस चीज को रिजॉल्व. सोने से हम शायद उसको दबा देंगे, हम दबा देंगे तो शायद फिर वो फिर उभर के आ जाएगा, एक वोल्केनो की तरह वॉलेटाइल मूवमेंट्स आ जाएंगे. इसीलिए उसका सामना करना है. हमारी लाइफ में जितने सेटबैक्स आते हैं, डिसअपॉइंटमेंट आती है, फेलियर आता है, अगर हम इसका सामना नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? और इसी सामना के बारे में कल आपसे इस बारे में बातचीत करी जाएगी. मेरी कोलीग हैं लीना जी, वो आपसे जरूर इस बारे में भी बात करेंगे. हेलो मैम, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो मूड स्विंग होता है इसको कैसे हैंडल नहीं कर सकते? मेरे ख्याल दो लोग बोल रहे हैं तो मैं हेलो वाली में कर दीजिए प्लीज. साथी सुधा भी हैं दोनों, यार दोनों साथी सुधा भी हैं. आस्कर प्लीज म्यूट कर दो. हां रजनी बोलिए. हां मैं बोल रहा हूं मैम, ये मूड स्विंग जो होता है इसको कैसे हैंडल किया जाता है, जा सकता है? मूड स्विंग को थोड़ा सा समझाइए क्योंकि हम ये शब्द एक तकिया कलाम बना लेते हैं. नहीं, दरअसल मैम अभी थोड़ा मैं खुशी में हूँ, कुछ
देर बाद 5-10 मिनट बाद ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से मेरा मूड फुल्ली डिफरेंट हो गया, मैं किसी से बात नहीं करना चाह रहा हूँ, किसी कोई अगर मुझे समझाने जा रहा है, ऐसा एक मेरा एक मेरे साथ हुआ है। मेरा एक दोस्त है जो सोच रहा है कि मैं अगर कोई शांत जगह में जाके पीस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इधर बहुत सारा क्राउड है, अभी इतने दिन से घर पे बैठा हूँ तो मैं बहुत ज्यादा क्राउड है, मैं घर पे ठीक से नहीं रह पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम ही था बाहर रहने का। तो अभी वो चाह रहे हैं कहीं ऐसे जगह जाए जहाँ पे थोड़ा पीस मिले। तो मैंने उनको एक चीज सजेस्ट किया, एक वीडियो शेयर किया जिसमें अच्छे से बहुत क्लियरली मेंशन था कि पीस जो होता है वो कहीं शांत प्लेस में नहीं मिलता, वो क्राउड में ही ढूंढ के ढूंढा जाता है। कि मन की पीस जो होता है, आपका मन का पीस सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके प्लेस के हिसाब से। तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे यही क्वेश्चन किया कि ये चीज अगर तुम्हारे साथ होता तो तुम समझते, तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। तो ये ऐसा जब क्वेश्चन आते हैं चाहे, लेकिन आप देखेंगे तो पिछले दिनों कुछ ज्यादा ही खुशी में थे और आज उस वजह से ज्यादा दुखी में है, तो इस चीज को कैसे हैंडल किया जा सकता है? So, हम सब एक चीज को एक तरीके से नहीं देखते, हम सबकी परसेप्शन अलग अलग होती है, ठीक है ना। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप जो पीस ढूंढते हैं वो इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इट इज नॉट कि आप कोई जगह जाएं और जहां पर आप उस चीज का पीस ऑफ माइंड आ जाएगा आपको। और ये भी बात आपके कुलीग की बिल्कुल सही है कि घर में सब बैठे हैं तो मेरे को जो मी टाइम है, जो मेरे को अकेला वाला टाइम चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो हम सबका सोचने का नजरिया थोड़ा अलग है, हम सब चीजों की जो समाधान ढूंढते हैं वो भी अलग तरीके से ढूंढते हैं। तो हमें ये समझना जरूरी कि मेरे लिए कौन सी चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं इतने सारे वेबिनार करती हूँ, बहुत सारे लोगों की सारी प्रॉब्लम्स की बात सुन के उनकी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारा जब हो जाता है तो मैं सोचती हूँ कि आज मेरा आधा दिन है, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी, वो मेरा मी टाइम है और मैं उसमें कुछ भी करूंगी जिसमें मुझे खुशी मिले, जिसमें मुझे शांति मिले। और चाहे वो सिर्फ ये है कि मैं अपने जो बालकनी का गार्डन है उसी का ठीक कर दूं और मुझे बहुत खुशी मिलती है, चाहे मैं सिर्फ एक चाय का कप लेके बालकनी में बैठी रहूं और मुझे उस चीज में बहुत खुशी मिलती है, मैं शांत हो जाती हूँ। लेकिन सब ऐसा नहीं कर सकते हैं, सबका सोचने का तरीका अलग होता है, ठीक है। और पीस ऑफ माइंड इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, मतलब मेरा मन किस चीज में शांत हो सकता है, तो मुझे अपने लिए खुद ढूंढना है, मेरे को खुद ढूंढना है, भागने से नहीं होगा, लेकिन वहीं रहकर मुझे उस चीज का समाधान ढूंढना है। अगर घर में किसी के साथ झगड़ा हो गया तो आप घर छोड़ के चले जाएंगे तो आपने समस्या का सामना नहीं किया। आप ये कर सकते हैं कि घर में आपका झगड़ा हुआ, आप एक दूसरे कमरे में अकेले जाके बैठ जाएं, आपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, थोड़े समय बाद जब आप शांत हो जाए तब उस चीज का सामना कर सकते हैं। सो हमें ये सीखने की जरूरत है, लेकिन अपने मन में इतना ज्यादा उसको बिठाने की जरूरत नहीं है। आई होप आई बीन एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। लेकिन मैं अगर अलग कर ले अपने आप को उसी टाइम के लिए, तो माइंड में अगर नेगेटिव थॉट कुछ आ गया, कुछ उल्टा सीधा हो गया, देन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो अकेले टाइम के साथ डील नहीं कर पाते, जिसकी वजह से नेगेटिविटी उनके माइंड में होता है, कुछ अनहोनी हो जाता है, तो इसके साथ कैसे डील करते? आप अपने किसी भी एक दोस्त के साथ बात कर सकते हैं, आप कुछ लिख सकते हैं, आप कुछ म्यूजिक सुन सकते हैं, अपने मन को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। ये आपने अच्छी चीज पूछी है कि हम कोई भी उल्टा काम कर सकते हैं, इसीलिए अपने आप को शांत रखना। आगे अब मैं आपको और भी चीजें बताऊंगी अभी धीरे धीरे, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपको भी और भी चीजें बताने वाली हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। So, बहुत सारे हमारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं दैट मेक अस फील मोस्ट एंग्शियस एंड वरिड। हमने इस बारे में ऑलरेडी काफी चर्चा इस बारे में करी है। एंड व्हाट कैन आई डू टू मैनेज माय वरी एंड एंग्जायटी, यही हम बात कर रहे हैं कि हम सबका तरीका अलग है और हम बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे हमारी जो डर है, वरी है, स्ट्रेस है, एंग्जायटी है, हम उसका सामना कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को काम करना है ना, हमने अपने आप को थोड़ा सा काम करने की कोशिश करनी है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, हम कुछ कामिंग म्यूजिक सुन सकते हैं, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और अपने आप को ये भी कह सकते हैं दैट आई एम एंग्शियस एंड आई एम एंग्री। फर्स्ट एडमिट इट
अपने आप को इस चीज का बोलो, ये नहीं सोचो कि मेरे को उसने गुस्सा दिलाया या मेरे बॉस ने ये काम किया तो मेरे को उसके कारण गुस्सा उसने दिलाया है, या मेरी बीवी से मेरा झगड़ा हो गया, मेरी बीवी ने मेरी बात नहीं सुनी है तो मुझे गुस्सा आ गया है। सबसे पहले ये एडमिट करिए कि मेरे में है गुस्सा, मैं इस चीज को एडमिट करूं और मैं फिर इस चीज का सामना भी कर सकता हूं। और इस थॉट को हमें चैलेंज करना है, और वो मैं आपको बताती हूँ कैसे चैलेंज करना है थोड़ी देर में, अभी देखते हैं। थोड़ा सा हम शांत होने की कोशिश करते हैं और इस म्यूजिक को सुनने की कोशिश करते हैं, इससे आपको काफी मदद मिलेगी। शांति से बैठिए और सुनिए इसको, चाहे आंख बंद करके बैठिए। कैसा लगा आप सबको? बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत सही अच्छा लगा। साउंड था, बहुत सही साउंड था। थोड़ा मन शांत हो जाता है जब हम ऐसी करते हैं तो, है ना? मन थोड़ा सा शांत होने लग जाता है। अभी हम थोड़ी सी एक और एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम और थोड़े से अपने आप के काबू में आ सकते हैं। ऐसी कई सारी चीजें हम कर सकते हैं, जैसे अपने भय को, अपनी एंजाइटी को दूर करने की कोशिश करें। तो सब थोड़े से सीधे होके बैठ जाएं और अपनी जो एल्बो है उसको अपने एक चेयर के साइड पे रखें, अपने हाथ पे रखें, अपनी जो राइट वाली नॉस्ट्रिल है उसको दबाइए और लेफ्ट वाले साइड से अपनी सांस लेने की कोशिश करिए। ये पर्टिकुलर प्राणायाम आपके लिए बहुत लाभदायक है, जिससे कि आपकी ब्रीदिंग बेटर होती है और आपकी एंजाइटी भी काफी बेटर हो जाती है। तो चलिए हम सब मिलके ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। ब्लॉक योर राइट नॉस्ट्रल। हाँ जी, क्या मैं सबसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, जो भी कैमरा ऑन कर सकता है कर लीजिए, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज। सब हम मिलके ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। राइट वाले नॉस्ट्रिल को बंद करिए और धीरे धीरे इनहेल एंड एक्सहेल करिए लेफ्ट साइड से। और अपनी सांस पे ध्यान दीजिए।
इसी तरह से फिर हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को कर सकते हैं। इसे हम कई बारी करें तो हमारे मन में काफी शांति आती है, हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम एंड माइंड, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। तो अगर हम दिन में कई बार ये करें तो ज्यादा ठीक है। मैं अभी कॉल करता हूँ, दो मिनट में आपको कॉल करता हूँ। कैसा लगा आप सबको? कैसा लगा आप सबको? रिलैक्सिंग, काफी रिलैक्सिंग लगा जी। और किसी को कैसा महसूस हुआ? आप इसको एक अपना रोज की एक एक्सरसाइज बना सकते हैं ताकि आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी। एक्सरसाइज कर सकते हैं इस चीज को, है ना? इससे काफी ज्यादा माइंड काम रहता है। तो इसको मैं कर रहा हूँ लगभग एक महीना से, अभी इसको रेगुलर कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इससे आपको काफी हेल्प हुई होगी। यस इससे काफी रिलैक्स भी फील हुआ है। हम लगभग 1 or 2 months से कर रहे हैं इसको रेगुलरली बेसिस पे। हाँ जी। तो काफी मतलब अच्छा रिलैक्सेशन जो फील हो रहा है काफी मतलब। और मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग यदि हम करते हैं तो काफी और ज्यादा वो फील होता है कि हम रिलैक्स मोड पे चले जाते हैं। जी हाँ वेरी गुड। सो अब स्टेप टू, हमें पहले तो हमने कामिंग एक्सरसाइज करी, स्टेप टू में हमें सॉल्व द प्रॉब्लम करना है या मैनेज द इम्पैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम वी हैव टू अलाउ आवरसेल्व्स टू सिट विद द फियर, मतलब जो डर है मन में उसको हम 2-3 minutes के लिए बैठेंगे उसके साथ में और उसको थोड़ा सा ब्रीद विद इट करेंगे और अपने आप को बोलेंगे इट्स ऑल राइट दैट द फियर इज देयर, इट्स ऑल राइट दैट इट इज देयर। और आप क्या कर सकते हैं कि ये जो डर आ रहा है, जो भी आपको भय आ रहा है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं, है ना? राइट डाउन द थिंग्स जो आपको डर लग रहा है। तीसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं, हमारे को कितनी ब्लेसिंग्स हैं, हमारे को कितना ग्रेटिट्यूड है, हमने किस चीज को थैंक यू बोलना है, हमने भगवान जी को थैंक यू बोलना है या किस चीज को हमने थैंक यू बोलना है ताकि हमें और अच्छा लगने लग जाए। एंड रिमाइंड योर सेल्फ दैट योर एंग्जाइटी इज जस्ट देयर, इससे हम और नई चीजें सीख पाते हैं, हमारी विजडम बेटर हो जाती है। तो हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है, हमें मैनेज करना है इस एंग्जाइटी को। और थोड़ी सी वर्जिश करेंगे। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वर्जिश क्या करेंगे, बाहर तो जा नहीं सकते हैं, तो वर्जिश कैसे करेंगे? हमें घर पे बैठे बैठे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, घर पे बैठे बैठे हम योगा कर सकते हैं, घर पर बैठे बैठे हम स्टैटिक जॉगिंग कर सकते हैं, हम चल सकते हैं घर के अंदर, हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम जूम्बा की क्लासेस जो ऑनलाइन लगती हैं वो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें सीखने लग गए हैं इसी तरह से। तो हमें ये प्रॉब्लम को थोड़ा सा मैनेज करने आना चाहिए। और हमारे लाइफ में हमने ये भी सीखना है कि वी हैव टू लर्न टू डू समथिंग दैट गिव्स अस मीनिंग, हमें जो मीनिंग मिले, हमें किस चीज से खुशी मिल रही है वो ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। तो जब भी हम फेस करें एक प्रॉब्लम को तो हमें एक सवाल अपने आप को पूछना है, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम, इज दिस अ प्रॉब्लम दैट आई कैन सॉल्व, यस और नो। यू नो जो भी प्रॉब्लम्स है हमें थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करना है, हम सीख जाएंगे कि इसको कैसे हमने रिजॉल्व करना है, कैसे हम इस चीज का सामना कर सकते हैं। If the answer is yes, कि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, what is causing the problem? ये थोड़ा अपने दिमाग में हमने लिखना है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं, आप अपने लिए एक reminders create कर सकते हैं, what is causing the problem?
क्या वजह है ये मेरे को ये प्रॉब्लम से मेरे को प्रॉब्लम बहुत सारी मेरे को सोच आ रही है और ये हाउ रियल आर दीज कॉजेस जो भी कारण है क्या रियल है या इमेजिन कर रहे हैं हम लोग व्हाट स्टेप्स कैन आई टेक टू मैनेज द कॉजेस क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं इस चीज को मैनेज करने के लिए एंड व्हाट हेल्प डू आई नीड कौन मेरी मदद कर सकता है जैसे आपने जब पूछा था कि उसको पीस ढूंढना है और आपने कहा कि वो कुछ ऐसी हरकत कर लेगा तो क्या किसके साथ जाके मैं बात कर सकता हूँ कौन मेरी मदद कर सकता है हमें थोड़ा सा इसके बारे में स्टेप वाइज हमने अपने आंसर्स ढूंढने की कोशिश करनी है इसीलिए हम अपनी एंग्जाइटी को फिर मैनेज कर पाएंगे कोई मुझसे यहाँ पर सवाल पूछना चाहेगा आजकल जैसे भी पढ़ रहे हैं स्ट्रेस एंजाइटी और डिप्रेशन तो मेरा था कि इनमें तीनों में फर्क क्या है कि तीनों एक ही है लगभग जब कहते हैं कि टेंशन में है कि इसको स्ट्रेस आ गया ये डिप्रेशन में चला गया इसको एंजाइटी हो रही है मैंने अक्सर देखा अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि डिप्रेशन में है भले उसको मालूम नहीं कि उसको एंजाइटी है या स्ट्रेस है तो इन तीनों में क्या फर्क है हम कैसे पता करें कि इस बंदे को एंजाइटी है या स्ट्रेस में है या डिप्रेशन में कुछ शब्द हम लोग तकिया कलाम की तरह यूज करते हैं और कुछ शब्द हम बिना सोचे समझे लगा देते हैं इनको कि डिप्रेशन तो ऐसे सोचते हैं आज मुझे डिप्रेशन हो रहा है यार डिप्रेशन तो एक मेडिकल टर्म है और डिप्रेशन के लिए तो हमें कुछ समय के लिए ऐसा रहना पड़ेगा I will have to be sad, worthless feeling आएगी, hopelessness feeling आएगी, helplessness और मेरी सोच में ये है कि मेरे को जीने का मन नहीं कर रहा मेरे को कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा ना खाने का मन कर रहा है ना सोने का मन कर रहा है मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रही है और मुझे आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा तो वो वाला डिप्रेशन तो हम में नहीं है बहुत कम लोगों में होता है वो तो इसीलिए इस शब्द का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए वरी हम छोटी छोटी चीजों के लिए करते हैं छोटी वरी क्या होगी आप सुबह उठे आपने चाय बनाने गए और आपको देखा कि अरे दूध तो खत्म हो गया दूध तो है ही नहीं घर में आप चाय कैसे बनेगी क्या काली चाय पियेंगे क्या करेंगे ये छोटी छोटी वरीज होती हैं तो इसको वरी इज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेस हो गया कि थोड़ा सा वरी से और आगे एक स्टेट आ गया कि आपको स्ट्रेस हो गया कि जैसे सोचते हैं क्या काम आपने करना है कि आपने शायद काम पे जाना है और आप गए अपनी गाड़ी के पास में और गाड़ी का टायर देखा कि पंक्चर हो गया है आपको स्ट्रेस हो गया उससे आप इतने स्ट्रेस और एंजाइटी साथ साथ में हो गई है क्योंकि आपको टायर चेंज करेंगे लेट ऑफिस पहुंचेंगे कैसे लगाएंगे किसी को ढूंढेंगे तो ये आप अपने आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ये स्ट्रेस और एंजाइटी हो गया आप समझे इस चीज को मैं क्या बोल रही हूँ हम छोटी छोटी तो हमारी वरीज होती है और ये रोजमर्रा के जीवन में वरीज होती है कि बच्चे ने होमवर्क नहीं कंप्लीट किया कल असाइनमेंट दी थी टीचर ने कल क्लास है तो उसने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करी है तो आपको स्ट्रेस हो रहा है और आपको एंजाइटी हो रही है आप कैसे इसको सिखाएंगे थोड़ा सा समय रह गया है रात को सोना भी है कैसे इस चीज को हम सामना कर सकते हैं ये वाले होते हैं एंजाइटी स्ट्रेसेस कोई और आपको सवाल आ रहा हो तो मुझसे पूछ सकते हैं नहीं मैं अभी नहीं आगे कुछ आएगा तो then I will ask you ठीक है but this has helped you what I was trying to answer this has helped you okay yes ma'am thank you ma'am Roma I just have a you know thing to share yes. here yes I yes. think आजकल you know because of the media or because of whatever little we are reading and hearing around depression is a term which is very loosely used you know absolutely agar hame thoda sa bhi kuch problem hoti hai ya combination ho jata hai jaise aapne bataya maybe that's stress and then you have an anxiety also right par agar ek do cheezon ka combination bhi ho jata hai to hame aisa lagta hai mujhe to depression ho raha hai but you know is that really depression or depression no, is confirmed only after a doctor's intervention Well, I will tell you that depression is obviously confirmed after a doctor's consultation. But before that, there are symptoms that a person will have. The symptoms are that काफी समय से दो तीन हफ्ते चार हफ्तों से एक इंसान को कुछ नहीं अच्छा लग रहा ना खा रहे हैं ना सो रहे हैं एकदम गुमसुम है feelings of hopelessness, helplessness, sad,
सैडनेस और आपको बोल भी रहा है कि मैं बहुत सैड हूँ और आपको नजर आ रहा है कि उसका जो बिहेवियर है या उसका जो तौर तरीका है वो चेंज हो गया है. नाउ दैट पर्सन नीड्स हेल्प. दैट मीन्स वी नीड मेडिकल इंटरवेंशन फॉर दैट पर्सन. सो दैट पर्सन डेफिनेटली नीड्स हेल्प. और हमने सबने ये देखा है कि जब से ये कोई सेलिब्रिटी की सुसाइड हुई है तो हम सब इस बारे में बहुत चर्चा करने लग गए हैं और हम सबको ही लगने लग गया है कि हमें डिप्रेशन है, हमें डिप्रेशन है. पर ऐसा नहीं है, हम सबको डिप्रेशन नहीं है. ये एक कुछ ही लोगों को ज्यादा होती है. लेकिन अगर हम एंग्जाइटी को अपनी मैनेज कर लें, जो आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंग्जाइटी मैनेज कर लें, तो अक्सर ये उस तरह से एस्केलेटेड फॉर्म में नहीं जाती है. फिर हम उसे कंट्रोल करना सीख जाते हैं. ये एक स्किल है, हम सब सीख जाते हैं. ओके, ठीक है ना. थैंक यू. यू कैन टेक अ प्रॉब्लम एंड वी कैन सॉल्व एंड डू दिस एक्सरसाइज. हमने ऑलरेडी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हमने सॉल्व करने की कोशिश करनी. किसी और की कोई प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व कर सकते हैं. क्या कोई शेयर करना चाहेगा कोई कंसर्न या प्रॉब्लम जो हम एवरीडे लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो आजकल? यस, मेरा इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो अभी शेयर कर सकते हैं मैम? जी हाँ, बिल्कुल शेयर कर सकते हैं. तो शायद लोगों का जो मेरा फीडबैक, माने लोग हमें फीडबैक देते हैं कि आप इमोशनली चीजों से अटैच नहीं होते, इमोशन आप में नहीं है. तो क्या होता है कि इमोशन नहीं है और आप लॉजिकल चीजों को ज्यादा देखते हो, तो इमोशन और इमोशन अपने अंदर डेवलप करो. दूसरा जो मैं देखता हूँ अपने बिहेवियर में, कि मैं बहुत चीज ऐसा देखता हूँ जो लगभग लोग वहाँ आंसू निकाल लेते हैं, लेकिन हम चाह के भी वहाँ आंसू नहीं निकाल पाते. बहुत कोशिश करने के बाद भी हम रो नहीं पाते हैं. तो ये चीजें क्या इमोशन नहीं है, या अगर इसको डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हैं? आपके मन में, राहुल जी बोल रहे हैं ना? यस यस मैम. आपके मन में जब कभी ऐसी फीलिंग आती है कि आपका मन उदास है या आपका रोने का मन कर रहा है, मैं कभी की बात कर रही हूँ, मैं किसी इंस्टेंस को लेके नहीं बात कर रही. हाँ, कभी कोई इस तरह की घटनाएं देखते हैं तो ऐसा टाइम आता है रोने का. हाँ. क्या होता है कि हमें बचपन से हमारे देश में ये सिखाया गया है कि हमें अपनी भावनाओं के बारे में बात नहीं करनी है. हमें बोला जाता है कि भावनाएं, इमोशंस के बारे में बात नहीं करनी है. और खास करके जब हम लड़कों की परवरिश करते हैं तो उनको ये सिखाते हैं बचपन से कि तू रो क्यों रहा है, तू रो रहा है, तू पिट के आ गया है, तू मार के नहीं आया. और छोटी छोटी बातों में हम उसका थोड़ा मजाक उड़ाते हैं लड़के का जब वो रोता है. हम कहते हैं तुम तो लड़का हो, तुमको रोने की क्या जरूरत है. तो हम उसकी कंडीशनिंग कर रहे हैं बचपन से एक लड़के की, जो एक आदमी बन जाता है और फिर एक फैमिली करता है और फिर ऑफिस में काम करता है. तो हमें कंडीशनिंग हो गई कि कुछ भी हो जाए मुझे रोना नहीं है. आप इस बात से मेरी सहमत है, नहीं है? यस यस मैम. इस तरह की फैमिली से हम थोड़ा बिलोंग करते हैं तो ये चीज हुआ है, हमें सिखा दिया जाता है. तो हमें अगर रोना आ भी रहा होता है तो हमें ये बोला जाता है कि हमें रोना नहीं है, हमें इस चीज का सामना करना है. और आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि तुम बहुत लॉजिकली सोचते हो और इमोशन नहीं सोचते हो, तो आप कुछ कुछ चीजों में बहुत अच्छा करते हैं. जरूरी नहीं है कि हर चीज में हमने अपनी हाइपर इमोशनैलिटी डालनी है, क्योंकि फिर हमारी विजन कलर्ड हो जाती है उससे. तो आप लॉजिक से काम करते हैं, आप अपने थॉट से एक्शन की तरफ जाते हैं, इतना इमोशन लगाने की कोशिश नहीं करते हैं. अच्छा करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी. आप यू हैव लर्न्ड द टेक्निक टू डील विद मेनी इश्यूज इन लाइफ. और दूसरी चीज ये भी है कि ह्यूमन बींग्स ना, हम लोग गलतियां बहुत करते हैं और हम, लेकिन हमारी गलतियां हमें डिफाइन नहीं करती हैं. यू नो वी विल मेक मिस्टेक्स, पर गलतियां हमें डिफाइन नहीं करती. इसीलिए आई हैव टू अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स अबाउट माई सेल्फ. कोई और सवाल किसी का? यस, इसी से थोड़ा सा एक मैम. तो क्या है कि रिलेशन मेंटेन करने के लिए इमोशनली होना ज्यादा जरूरी है कि लॉजिकल होना ज्यादा जरूरी है? दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है. और जो पर्टिकुलर इंस्टेंस है या कोई सिचुएशन ऐसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. अब जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें होनी जरूरी हैं. बहुत सारे लोग बहुत शांत रह के बिना ऊंची आवाज के भी अपनी बात कह जाते हैं. इस बात से तो आप सहमत होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत उत्तेजित तरीके से बात करते हैं, खूब
इमोशन ला के बात करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ऐसे, दोनों तरीके हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें इमोशन ला के ही बात करना है। कुछ कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर हमें अपना इमोशन भी लाना होता है, जैसे किसी की डेथ हो गई है, वहां एक इमोशन भी आता है, सिर्फ लॉजिक नहीं चलता वहां पर, है ना। जहां एक लॉस हो गया, जैसे कि कोविड सिचुएशन है, लॉस है हमारा, हम ग्रीव ही नहीं कर पाए कि हम जा ही नहीं पाए किसी के जहां, किसी रिश्तेदार में किसी की डेथ हुई है या हमारे बहुत ही करीबी जानने वालों में किसी की डेथ हुई है और हम बात ही नहीं कर पाए, जा ही नहीं पाए। सो ये वाली चीजों में इमोशन का एक आना जरूरी होता है, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। इमोशन डेवलप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं मैम? इमोशन तो सब में है, डेवलप भी है आप में। आप अपने आप को रोक देते हैं, आप दिखाना नहीं चाहते हैं, और कहीं आपको ऐसा लगता है कहीं मैं वो लेबल ना लग जाए मेरे ऊपर कि ये तो ऐसे इमोशनली बात कर रहा है, आपको आदत पड़ गई है थोड़ा सा सख्त व्यवहार रखने की। ऐसा नहीं है कि इमोशन नहीं होगा आपको, आपने ये सीख लिया है कि इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, आपने सीखा हुआ है ये। ऐसा नहीं है कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आपको गुस्सा भी आता है, आपको रोना भी आता है, लेकिन आप उसको दबा लेते हैं, आप सिचुएशन के मुताबिक चलते हैं। मेरा इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि मैंने देखा है कि जब बंदा टेंशन में है या इस टेंशन या डिप्रेशन जो भी उसको हम कहेंगे कि परेशान है, तो परेशान होने के बाद वो इमोशनली बहुत ज्यादा टूट जाता है तो वो रोने लगता है, पर रोने के बाद वो एक जब वो पूरा रो लेता है जी भर के तो उसके बाद वो रिलैक्स फील करता है। जी बिल्कुल। तो ऐसा क्यों है मैम, कैसे क्या होता है कि रोने के बाद वो रिलैक्स फील करता है? क्योंकि इतने पेंट अप इमोशंस होते हैं हमारे अंदर, केमिकल्स और हार्मोन्स होते हैं जिसके कारण इतने ज्यादा हमारे इमोशंस बनते हैं, वो केमिकल और हार्मोन्स होते हैं, और जैसे ही हम उसको रो के रिलीज कर देते हैं तो हमें बहुत कामनेस फील होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसा रो के काम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, वो एक अपसर्ज ऑफ केमिकल और इमोशन आता है, उससे हमारी बॉडी पे भी काफी मसल टेंशन होती है, हमें थोड़ा रिलीफ मिलता है इससे, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। और रोना खराब बात नहीं होती है, इनफैक्ट मैं जब बच्चे भी रोते हैं तो मैं उनको क्या कहती हूँ, बहुत अच्छा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन अंदर बाहर जा रहा है, आप रो लीजिए, आप रोएंगे शांत हो जाएंगे तब हम बात करेंगे आपसे। सो रोना इज गुड, इट इज नॉट अ बैड इमोशन, इट इज when you have a little setback, when you have a little disappointment, आपको एक्सपेक्टेशन थी, आपको डिसअपॉइंटमेंट हो गई है, थोड़ा सा सेटबैक फीलिंग आई है, रो लिए, तो आप शांत हो जाएंगे और फिर लॉजिकली उसको रीजन आउट कर सकते हैं आप। और मैम उसके बाद नींद भी बहुत अच्छी आती है। यू हैव बिकम काम डाउन आफ्टर दैट, थोड़े रिलैक्स हो गए, बहुत टेंस बैठे हुए थे, रोक रहे थे अपने आप को, तो आपने रिलीज कर दिया उस टेंशन को। यस मैम। तो हम समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे। सो जी अनुज जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मेरा कंप्लीट हो गया। अच्छा ठीक है। सो इफ जी बोलिए मैम, मैं कहना चाह रहा था कि जैसा राहुल ने शेयर किया उसमें मुझे एक चीज ये लगता है कि सिचुएशन आपको बहुत कुछ सिखा देती है। अगर आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, अपनी आंखों से देखा है, तो बहुत कुछ ऐसा होता है कि थोड़ा सा इंसान मजबूत भी हो जाता है, ऐसा भी मेरा मानना है। बहुत सही बोला आपने, क्योंकि हमारी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आते हैं, जितने भी वो पहाड़ आते हैं, पहाड़ पे चढ़ना हम सीख जाते हैं और चैलेंजेस सीख जाते हैं और उसका हमें समस्या का समाधान करना भी सीख जाते हैं। सो ये आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया बोला, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरी प्रॉब्लम क्या है, How is the problem affecting me? उसके बारे में भी सोचना जरूरी है। What can I do to manage the impact of the problem? हमने already इनके answers ढूंढ लिए हैं जो मैं सवाल आपको ये डाल रही हूँ, है ना? और कौन मेरी मदद कर सकता है? मुझे अपनी मदद के लिए भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिससे मैं अपनी बात कर सकूँ। हम बात नहीं करते हैं, हम अपनी इमोशंस को जाहिर नहीं करते हैं, वो ठीक नहीं करते हैं क्योंकि मन में बोझ बैठा लेते हैं हम फिर। हम एक प्रॉब्लम ऐसी देखते हैं जिसमें वी कैनॉट सॉल्व इट। कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते? कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको लगता है कोई इसका समाधान नहीं है?
कोई भी, आप में से कोई भी बोल सकता है, किसी को कुछ शेयर करना है इस बारे में? कोई भी बोल सकता है, कोई भी ऐसी समस्या है जो आपको लगता है इसका समाधान नहीं है, कुछ हम नहीं सॉल्व कर सकते इसको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शायद ऐसी कोई समस्या नहीं है के पास जिसका समाधान ना हो। जी हेलो, जी 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 हाँ जी, तो मैं शेयर करना चाहूंगी, एक मेरे पास ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि जो सॉल्व नहीं हो सकती। लाइक आई लॉस्ट माय फादर फ्यू मंथ्स बैक, यस, एंड दैट वाज वेरी बहुत प्रॉब्लमेटिक था वो मेरे लिए, मैं उसको वो नहीं कर पा रही थी, ओवरकम नहीं कर पा रही थी। अभी भी कभी कभी याद आती है तो मैं बहुत ज्यादा उसमें चले जाती हूँ बैक में, और उसके बाद वही कि थोड़ा सा रो लिया और सही हो गए। तो उसके बाद मुझे लगता है कि अब तो हाथ से निकल गया, वो तो निकल ही गया, तो इसको कभी सॉल्व नहीं कर सकते। बट मैं फिर भी उसमें बहुत बार ऐसा होता है जब मैं अकेली बैठी होती हूँ तो मैं उन यादों में चली जाती हूँ बार बार, कि उसी महीने में वही सब चीजों में या पापा की बातों में या पापा का चेहरा सामने आ जाता है, तो वो थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। ये बहुत नॉर्मल चीज है, जब हमारी लाइफ में कुछ लॉस होता है ऐसा वाला लॉस, और खासकर कि एक करीबी रिश्ता, और फादर से ज्यादा करीबी रिश्ता, मदर से करीबी रिश्ता और कोई हो नहीं सकता। सो जब हमारा लॉस होता है और एकदम सडन लॉस हुआ या एक बीमारी के बाद लॉस हुआ, लॉस तो लॉस ही है, सो हमें ग्रीविंग करनी, शायद हम बहुत समय हमें इतना नहीं मिला कि हम ग्रीव कर पाए, उनके बारे में सोच पाए, हमने अपने आप को रिलैक्स नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया कि वो चले गए हैं। हमें एक्सेप्ट करना है कि आएंगे लोग, चले जाएंगे, हम उनकी अच्छी यादों में जीवन जिएंगे, है ना। तो हमें अपने आप को समझाना है इस चीज को, हम इस चीज को, वी कैन नॉट गेट हिम बैक, बट हिज गुड मेमोरीज आर देयर एज हिज स्ट्रेंथ्स विद अस, सो वी हैव टू कीप दोज एज हिज स्ट्रेंथ्स एंड लर्न समथिंग फ्रॉम दोज स्ट्रेंथ्स एंड कीप दैट मेमोरी अलाइव, बिकॉज दैट मेमोरी नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू, but keep that as a strength and not as a loss, right? This is a very good thing that you came out with. और ऐसे समय पे हमें शायद जब हम बहुत लो फील कर रहे होते हैं तब ऐसे यादें ज्यादा आती हैं हमें। At times we just cannot manage by ourselves. कभी कभी ऐसी परेशानियां आती हैं और ये loss हुआ या हमारा divorce हो गया या मेरा एक कंपेनियन है जिसके बहुत सारे झगड़े हो गए, 7-8 साल से मेरी दोस्ती थी उसके बाद वो छूट गया, या मेरे बच्चे का लॉस हो गया, छोटा बच्चा था, बच्चे का लॉस हो गया, या मेरी जॉब का लॉस है और मैं उसका समाधान ही नहीं ढूंढ पा रही हूँ, मेरे पास कोई है ही नहीं बात करने के लिए। सो वी कैन नॉट जस्ट मैनेज बाय आवरसेल्फ, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी है, एम्बैरस नहीं होना है, और हमें एक मनोवैज्ञानिक या काउंसलर से मिलना, साइकोलॉजिस्ट से मिलना जरूरी है। हमने अपने देश में एक स्टिग्मा लगा लिया है अपने मन में कि हमें साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना। हमें लगता है कि हमारे लाइफ में बहुत सारे रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, उनसे बात करके इस चीज का, समस्या का समाधान कर लेंगे। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो एक, जिस तरह से आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं अपना दांत दिखाने के लिए जाते हैं क्योंकि पेन होती है ना, दर्द हो रही होती है, या आपका पेट खराब है कुछ समय से, आपको कोई उस चीज का रिलीफ नहीं मिल रहा, आप डॉक्टर के पास जाके दवा लेके आते हैं, आपको बुखार नहीं जा रहा या टाइफाइड हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई, आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, उसका समाधान ढूंढेंगे। लेकिन अगर मन में कुछ ऐसा हो गया तो हम मन की बात करने क्यों मन के डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, क्यों इस चीज से डरते हैं? हम भी तो वही हैं, हम भी वही लोग हैं, हम बात करते हैं, हम सुनते हैं आपकी सारी बात, हम आपकी बातों की समस्या ढूंढने, समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं और आपको आगे का एक रास्ता दिखाते हैं जिसमें कि आप कभी भी आगे परेशानियां आए आप उस चीज का सामना कैसे करेंगे। तो इसीलिए एक मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, उसके पास जाना, झिझके ना और एक स्टिग्मा ना क्रिएट कर ले, और ना बच्चों को ये कहें
कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और हमें तुम्हें साइकोलॉजिस्ट के पास दिखाना पड़ेगा। तो हमने पहले ही उसके मन में ये डाल दिया कि तुम्हारे को प्रॉब्लम है। लेकिन क्या हम ये बोलते हैं कि तुम्हारा दांत खराब है तुम्हारी प्रॉब्लम है? नहीं, हम ये नहीं कहते ना। हम जाते हैं उस चीज की हेल्प लेने के लिए। इसी तरह से साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, अपनी हेल्प लेनी अच्छी बात है। सो हम सम अप करते हैं अभी कि एंग्जाइटी, वरी, फियर एकदम नॉर्मल है। क्रॉनिक एंग्जाइटी जो लंबी चलती है इज नॉट नॉर्मल एंड इज हार्मफुल बोथ मन में भी, साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी हमारे लिए हार्मफुल है। इसीलिए बाय एनालाइजिंग योर फियर यू कैन ओवरकम इट। लेकिन हम अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें प्रोफेशनल हेल्प लेने की जरूरत है। और हमने सीखा है अपने आप को काम रखना जरूरी है, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, मैनेज करना है कि वो प्रॉब्लम हमारे पे कितना असर कर रही है। और अगर नहीं होता है, हमसे नहीं हो पाता है, ज्यादा समय नहीं लूज करिए, आप प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाइए। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे रेजिलियंट। एंड आई एम स्टिल ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस इफ देयर आर, प्लीज डू गेट इन टच विद मी। अभी पूछ लीजिए सवाल, अच्छी बात है। हमारी ईमेल लिखी हुई है, आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं, आप कभी भी हमारे से इन टच कर सकते हैं। रोमा, जस्ट फॉर अनदर 3 मिनट्स, आई वुड से इफ एनीबडी हैज एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, एनी थॉट्स टू शेयर, आप वो भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास 3-4 मिनट का रोमा से रिक्वेस्ट करके जी, समय जी, लेकर, बिल्कुल या? बिल्कुल समय ही समय है। तो मेरी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई, मैंने तो बोला है मैं सवालों के जवाब दूंगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट इम्पैक्ट टीम से कि आप लोग प्लीज अपने आपके मन में कोई भी सवाल हो या कुछ भी इंटरैक्ट, कुछ शेयर भी करना चाहते हो, सवाल ना हो वो भी करिए, प्लीज चुप मत रहिए, बिकॉज ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और ये टीम भी एक्सटर्नल टीम की तरह आप मत समझिए। आई थिंक emotionally.in के साथ हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छा कनेक्शन है द एंटायर टीम के साथ। अमित सर हमें ऑलरेडी बहुत सारी और भी चीजों में हेल्प कर रहे हैं, अमित बोस सर। सो आई वुड रिक्वेस्ट इम्पैक्ट की टीम से कि प्लीज कुछ अपने थॉट्स शेयर कीजिए, ओपन अप कीजिए, आपका कुछ भी क्वेरीज हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो वैसे भी आप लोगों ने मुझसे बहुत अच्छे इंटरेक्शन किया, आपने बहुत शेयर करे अपने एक्सपीरियंसेस। मैम मेरा एक और था कि ये मतलब मैं इसको ह्यूमन बिहेवियर कहूंगा या मैं क्या इसको कहा जाए कि समटाइम्स क्या होता है, अगर कोई बंदा मेरे सामने बात कर रहा है और वो थोड़ा सा मेरे से हाई वॉल्यूम ऊंची आवाज में बात कर रहा है तो मुझे पता नहीं क्यों एग्रेशन फील होता है। तो मेरे को लगता है यार ये करा, मैं और उससे ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने लगता हूँ। सो हम रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप रिएक्ट कर जाते हो उस चीज पे। सो हमें रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें रिस्पॉन्ड करना है। गुस्से से गुस्सा कभी भी आपको सॉल्व नहीं करेगा प्रॉब्लम। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मियां बीवी में झगड़ा हो रहा है तो अगर दोनों ऊंची आवाज में बात करेंगे कभी आप सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते ना। इसी सेम चीज को आप हर चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं कि ट्राई, एक इंसान अगर ऊंची आवाज में बात कर रहा है आप हमेशा नीची आवाज में बात करें तो हमेशा सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। अगर दोनों एक ही लेवल पे बात कर रहे हैं तो फिर तो झगड़ा खत्म नहीं होगा। तो हमें, और जरूरी नहीं है कि ऊंचे लहजे में हमने बात कर ली है। सो आप उसकी बात सुनिए, और अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप कह सकते हैं उसको जब उसकी बात खत्म हो जाए, यार तू इतना ऊंचा मत बोला कर, या ऊंचा बोलने से ना मैं ज्यादा समझ नहीं पाता हूँ, तू थोड़ा सा अपने आप को शांत करके बात कर फिर मैं समझ जाऊंगा। लेकिन ऊंचा बोलता है तो मैं घबरा जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता क्या बोलता है। ये बात आपकी ठीक है कि लेकिन उस टाइम क्या होता है जब हम बात करते हैं उस टाइम ये चीजें समझ में नहीं आती, ये चीज जब हम बाद में रियलाइज करते हैं देन तब हम इसको समझते हैं कि नहीं यार मैंने गलत बोला, मेरे को उस टाइम शांत रहना चाहिए था। बट उस टाइम ऐसा क्या कि क्या किया जाए कि ताकि कि अपना मैं भी नीचे आवाज में बात करूं कि इस तरह का मेरे को समझ में नहीं आता कि करना क्या चाहिए उस टाइम, बट यह एग्रेशन आ जाता है पता नहीं क्यों। हमारे हमने धीरे धीरे ये हमारी लाइफ में इसको एक थोड़ा सा एक एक्सरसाइज बनानी पड़ेगी, हमें थोड़ा सा इस पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए तब मैं रिएक्ट ना करूं, मैं रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूं। हमें एक आदत बनानी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि हम अफेक्ट हो रहे हैं, दूसरा इंसान नहीं अफेक्ट हो रहा, हम इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो
अगर हम इफेक्ट हो रहे हैं तो हमें ये चेंज अपने अंदर लाना है, किसी और के अंदर नहीं हम वो चेंज ला सकते, क्योंकि उसकी तो लाइफ के पैटर्न अलग है। और सारे चेंजेस हम अपने आप अंदर ही ला सकते हैं, हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए कोशिश ना करिएगा कि दूसरों को चेंज करा जाए, खुद को चेंज कर सकते हैं। यस, एक और था इसी में, एक डेस्परेशन एक चीज होती है कि अगर नहीं हुआ तो मुझे अभी करना है कोई चीज, कि अगर मान लो किसी ने मुझे कुछ बोला कि नहीं मेरे को, मैं भी कॉल करके पूछता हूँ उसने ऐसे कैसे बोला। हालांकि उस टाइम पे क्या होता है, ऐसे टाइम पे अगर गर्मा गर्मी में मैं बात करता हूँ तो झगड़ा होने के चांसेस रहता है, कॉन्फ्रंटेशन हो जाती है ना। हाँ, तो उसको मतलब डेस्परेशन कहें क्या कहें मेरे को समझ में नहीं, उसके लिए वर्ड कि ये तो है उसने क्यों बोला मैं अभी करता हूँ। हालांकि कई बार मेरी टीम में भी कई लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं तो क्या करना, उसको थोड़ी देर में कॉल कर लेना, थोड़ी देर में बात कर लेना, या मेरे कई जो कुलीग होते हैं फ्रेंड लोग भी कि नहीं यार इतना मतलब परेशान मत हो, बाद में कर लेना, कि नहीं मैं अब भी करूंगा, उसने किया कैसे। हालांकि अगर मैं उसको बाद में करूँ तो वो मैटर सॉर्ट आउट हो सकता है, उस टाइम क्या होता है कि थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसको क्या इस तरह का हो कि आपको अपने आप को ट्रेनिंग देनी है कि मुझे एकदम फास्ट रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, मुझे आपने अपने आप को ट्रेन करना है कि जितना मैं, आप तो जान रहे हैं ना इस बात को, आपका एक्सपीरियंस हो गया है कि अगर मैं इतना ज्यादा उत्तेजित होकर जवाब देता हूँ तो मेरे में कमी ढूंढ रही जाती है, क्योंकि आस पड़ोस के लोग आपको कह रहे हैं कि मत करो ऐसा, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि सिचुएशन और रॉन्ग हो जाएगी। सो जब देखिए, जब भी हाई टाइड और लो टाइड की बात होती है ना, जैसे ओशन में हाई टाइड आती है तो हमें तब नहीं जाने के लिए बोलते हैं कि वहां नहीं जाना है हमने ओशन में, क्यों, क्योंकि हम उसी के साथ बहे जा सकते हैं। इसी तरह से जब कोई उत्तेजित रूप में ज्यादा बात करेगा तो वो कुछ ना कुछ जो अपनी बताना चाहता है, कोई भी बात अपनी सामने रखना चाहता है या अपने आप को समझाना चाहता है किसी और को, वो नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप उत्तेजित होकर बात कर रहे हैं। Yes. I think सादिक भी कुछ शेयर करना चाहते हैं। हाँ जी सादिक, प्लीज बोलिए। गुड आफ्टरनून सभी को, थोड़ा सा जोर से बोलिए सादिक। हेलो, यस जी मैम, पूरे कॉन्वर्सेशन में एक्चुअली मेरे तीन क्वेश्चंस निकल के आ रहे थे, मैं वही जानना चाह रहा था कि इनके क्या सॉल्यूशन होंगे। तो एक तो ये था कि जो एंग्जायटी के जो मेजर सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, ये कैसे दिखेंगे या फिजिकली कैसे उनको ऑब्जर्व कर पाएंगे, जैसे डिप्रेशन होता है तो उसको हेडेक होता है, और नहीं नहीं हेडेक तो हमें स्ट्रेस में भी हो सकता है, एंजाइटी में भी हो सकता है, ज्यादा समय चलेगा और हमें हेडेक दवाई खाने से भी ज्यादा कुछ असर नहीं आ रहा है तो हमें पता है कि एंजाइटी हो रही है, और इतना ज्यादा भी नहीं सोचना और इतना भी लेबल लगाने की जरूरत नहीं कि हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है। रोजमर्रा के जीवन में एंजाइटी होती है, हमें चीजों में एंजाइटी हो जाती है। दूसरा आपने ये बताई दिया था कि अगर एंग्जायटी हो रही है तो वो किसी साइकोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकता है, तो अभी आप बता रहे थे कि फ्रेंड टू फ्रेंड कन्वर्सेशन होना चाहिए, अपनी बात दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए, तो ये सही बात है कि डॉक्टर से कंसर्न होना चाहिए। जी जी, और एक एंग्जायटी ही ना हो मैम, अगर चिंता ही ना हो तो ऐसा क्या हो सकता है? चिंता के बिना तो जीवन ही नहीं चलेगा, मुश्किलें तो आएंगी, बिना मुश्किलें के, बिना चिंता के तो जीवन ही नहीं है, है ना। बहुत सारी एकदम ऐसे देखिए, जो ये गुलाब का फूल होता है उसमें कांटे होते हैं ना, लेकिन गुलाब इतना अच्छा निकलता है उसमें। सो हमारे जीवन में भी कांटे तो आएंगे आएंगे, उबड़ खाबड़ तो रहेगी जिंदगी, लेकिन हमें इन सब का सामना करना आना पड़ेगा। और एंग्जाइटी कुछ हद तक हमारे लिए अच्छी भी है, सब चीजें बुरी नहीं है एंग्जाइटी में, एंग्जाइटी से हम लोग बहुत अच्छे निकल के आते हैं, हमारे विचार चेंज हो जाते हैं, हम चीजों का सामना करना जान जाते हैं, वो चैलेंजेस हम लोग ले लेते हैं और यही हम लोग सीखते हैं, इसलिए बचपन से ये सिखाए जाते हैं हम। जी थैंक यू। अभी एक दोस्त हमारा बोल रहा था कि कोई भी ट्रेजेडी होती है ये वो जाते हैं तो उनको आंसू नहीं आते, ये नॉर्मल सी बात है कि अगर आप किसी ऐसे इंसिडेंट में जा रहे हैं तो आंसू आ जाते हैं, ये कॉमन। तो एक हमारी तरफ से एक सजेशन ये है कि वो अपने माइंडसेट को थोड़ा सही रखें, और आंसू आना बहुत जरूरी भी है। तो एक थैंक यू सादिक, आपने बहुत अच्छी बात करी, थैंक यू सादिक जी। मैं अमर बात कर रहा हूँ जी, देहरादून से जी। जो अभी मेरे कलीग बात कर रहे थे अनुज की, सामने वाला जोर से बात करता है तो मुझे लगता है कि और तेज आवाज में बात करूं, मेरे साथ जस्ट इसका उल्टा है
और जैसे कोई कलीग एग्रेशन में बात करने लगा, तो एग्रेशन में बात किया, फटाफट फटाफट उसने अपनी बातें जो भी है जोर से रखी और वो निकल गया, आप सामने वाले को एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं मिला, नहीं मिला फिर मैंने सोचा कि ठीक है नेक्स्ट टाइम फिर वो ऐसे बात करेगा तब मैं टोकूंगा उसको। नेक्स्ट टाइम फिर आया, फिर फटाफट बोला और वो निकल गया। तो अब हो क्या गया है कि ये आदत सी पड़ गई है कि उस कलीग की बात हम उसी आवाज में सुन के और फिर छुपी रह जाते। तो हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा जी, कि ये तो इसकी पर्सनालिटी हमेशा ऐसे बोल के चला जाता है, मुझे ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, रिएक्ट करके तो मेरा ही मूड खराब हो रहा है ना, उसका तो कुछ नहीं जा रहा और मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा, क्योंकि मेरे जितने भी केमिकल और हार्मोन्स और बढ़ रही है और मेरी हार्ट बीट और तेज हो जाएगी, मुझे घबराहट होगी, मुझे गुस्सा आएगा, मुझे चिड़चिड़ापन आएगा, तो मेरे को असर हो रहा है, इसलिए मुझे अपने तरीके कोपिंग के हमने चेंज करने। जो बोल रहा है उसको बोल लेने दो, उसका तरीका है बोलने। लेकिन इसमें फिर वो जो आप कह रही थी कि सामना करने वाली बात, वो बाद में जब शांत हो जाए, जब शांत हो जाए तब जाके बात करिए। ठीक है, I think we are done with the questions. मैम एक क्वेश्चन था मैम। जी बोलिए। हाँ जी, जैसे कि डिप्रेशन की अगर हम बात करें, या फिर तो जैसे अगर घर में कोई फैमिली मेंबर है वो ड्रिंक करके आता है, तो इन उस केस में अगर बच्चे मतलब 12, 13, 14, 15 साल के रहते हैं, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के जो शिकार होते हैं वो अपने आप का मतलब वो ना तो अपने स्कूल में या अपनी कम्युनिटी में वो बच्चे भी अपने आप मतलब अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं ना, तो उस डिप्रेशन से कैसे निकला जाए कि उनके पिताजी हैं या कोई भी वो ड्रिंक करके आ रहे हैं, फिर घर में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, इस तरीके से बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, तो उससे बच्चे को किस तरीके से निकाला जा सके। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, लेकिन बच्चा कंफ्यूज स्टेट में है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसे सवाल मतलब उसके सामने आ जाते हैं कि मेरे फादर ऐसे ड्रिंक करके आ रहे हैं, हो सकता है उनका बिहेवियर चेंज हो जाए जैसे ही वो आते हैं, शायद बहुत गुस्से में रहते हों या कुछ ऐसी हरकत कर जाए जो अल्कोहल के बाद वो ठीक नहीं है। इसीलिए बच्चों से बातचीत करना बहुत जरूरी है, बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि वो उनको ड्रिंकिंग हैबिट है इसीलिए वो कर रहे हैं, जब वो ड्रिंक नहीं करते हैं तो बिल्कुल ठीक रहते हैं। So, हमें वो इंसान अल्कोहल में है तो इसलिए उसका ट्रीटमेंट होना जरूरी है, उसकी फैमिली वालों को समझाया जाए कि उसे लेके जाए, उसको समझाया जाए कि कैसे अल्कोहल से दूर रहने की कोशिश करें। सो एक ये लंबा चलता है, लेकिन जहां बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों का ये वर्ड डिप्रेशन ना यूज करके आप उन्हें सेंसिटाइज करिए, आप उन्हें अवेयरनेस क्रिएट कराइए कि इसका मतलब आपका रिश्ता पापा के साथ हस्बैंड वाला रिश्ता भी है, तो हम सब मिलके इस चीज की मदद करें, गुस्सा दिखाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में हो रहा है। अगर मान लो कि रोज ही डेली रूटीन उनका बन गया है, उस केस में बच्चा 14-15 साल का बच्चा है, वो कुछ गलत स्टेप ले सकता है, इसीलिए बच्चों को काउंसिल करना बहुत जरूरी है, बच्चों से बातचीत करना ज्यादा जरूरी है। Definitely, thank you so much for, you know, being around, being here and answering to so many queries that we all had. You know, Rajiv sir, I think even Amit sir is here, Roma ma'am, you know, thank you so much. It was a wonderful session and we all look forward for tomorrow's session also, because it's going to be connected and a lot of things, you know, which, you know, we really want to understand. Ab kya kare would be answered tomorrow. Thank you so much. It was really nice. Thank you. So, क्या मैं सबसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ एक बार अपना कैमरा ऑन करके हम लोग सब थैंक यू बोल दें क्विकली। सब कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।
Thank you, ma'am. Thank you. I enjoyed talking to all of you. Thank you so much. Thank you. It was really nice. And I'm sure you're going to look forward to the session, which is tomorrow, which Lina is going to be doing. So you're going to be enjoying that session also. Definitely. Thank you so much, ma'am. Thank you. So, hum log kal dobara se same time pe login kar lenge 10:45 pe aur 11 baje se hum session shuru kar denge. Aap logo ka koi bhi sawal ho, kuch bhi aapki queries ho, kuch aapke thoughts share karne ke liye ho, to aap log please ready rakhiyega taki hum log kal ke session mein kar sake. Same link? Yes. Okay. Kuch keh rahe hain Amar ji? Link same? नहीं, उसके लिए मैंने दूसरा लिंक भेजा हुआ है. ठीक है, राइट. और बाकी कुछ भी हो तो यू कैन गेट बैक टू मी. ऑल द बेस्ट एवरीवन. थैंक यू सो मच. थैंक यू रोमा. थैंक यू. बाय बाय. ओके. हेलो. हाँ जी. लेकिन मैम जो लिंक भेजा वो 10:15 का है. क्या कह रहे हैं? लिंक मैं दोबारा भेज दूं अगर क्लियर नहीं है तो? नहीं, सादिक कह रहा है कि लिंक जो भेजा है वो 10:15 का है. मैं दोबारा से कल का सेशन भी आई थिंक 11 बजे ही होगा. मैं एक बार राजीव सर या रोमा मैम से कंफर्म कर लूंगी. अगर अमित सर हैं तो अमित सर से कंफर्म कर लूंगी. बट आई थिंक 11 बजे का ही होगा, तो मैं दोबारा से लिंक भेज दूंगी 11:45 का. अमित सर, टुमारो सेशन. इलेवन टुमारो. थैंक यू सो मच अमित सर. सो आई विल री शेयर द लिंक. सभी के साथ मैं दोबारा से लिंक शेयर करूंगी 10:45 का. Okay. Right? Thank you so much, everyone. Okay, thank you. Bye bye. Bye. Thank you, Amit sir.